दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में आज मैं आपको साउथ की एक नई फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में आई है इसके बारे में बात करेंगे साथ ही में इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे साउथ की अगर आप मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मैं साउथ की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ देता हूँ जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है रत्नम यह मूवी 2024 की है काफ़ी अच्छी रिव्यू जिसे मिले हैं और इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन और बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग देखने को मिलेंगी अगर रन टाइम की बात करें तो इसका रन टाइम लगभग दो घंटे पैंतीस मिनट के आसपास का है और ये एक यू सेंसड मूवी है और रेटिंग की बात की जाए तो इसकी जो आई रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है बहुत समय पहले इसे रिलीज़ कर दिया गया था अमेज़न प्राइम वीडियो पर लेकिन अब ये फ़िल्म हिंदी के अंदर भी आ रही है आप इसे हिंदी में भी दोस्तों देख पाएंगे तो चलिए बात करते हैं कि हिंदी में ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी हालांकि मेरा ये वीडियो लगभग आपको 24 सितंबर को देखने को मिल सकता है और ये मूवी उसी रात को यानी कि 25 सितंबर को ही जियो सिनेमा के ऊपर आने वाली है यानी कि आप इस कमाल की फ़िल्म को पच्चीस सितम्बर से जियो सिनेमा पर देख पाएंगे और हो सकता है कि मेरा वीडियो बाद में भी आए लेकिन हाँ ये मूवी 25 सितंबर को जियो सिनेमा पर हिंदी में आ चुकी होगी तो एक अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आप इसे सीधा ही जियो सिनेमा पर देख पाएंगे हालांकि अगर आप जियो सिनेमा पर इसे नहीं देखते हैं या फिर ये मूवी वहाँ पर फ्री में नहीं आती है या आपको फिर जो है वो लेनी पड़ती है सब्सक्रिप्सन तो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो दोस्तों क्योंकि इसका वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हो रहा है सत्ताईस सितंबर को रात को आठ बजे जी सिनेमा पे अगर आप वहाँ पर नहीं देखना चाहते तो टी पर आप बिल्कुल फ्री में इसे देख पाएंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है आप इस कमाल की फ़िल्म को फिर देख सकते हैं अगर दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो फिल्म तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है और इसका जो ट्रेलर है वो भी दोस्तों काफ़ी गज़ब का है और फ़िल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आज ही दोस्तों इसका ट्रेलर रिलीज़ कराया गया है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको संकेत महाथरे सर का वॉइस ओवर देखने को मिलेगा जो कि विशाल पर एकदम परफेक्ट मैच भी होता है ये फिल्म बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है जो लोग एक्शन मूवी लवर है इनके लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी है साबित होगी इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको एक्टर विशाल प्रिया भवानी शंकर समुद्र करणी मुरली शर्मा गौतम वासुदेव मैनन योगी बाबू गणेश वेंकटराम हरीश पेराडी वीटीवी गणेश वी गणेश डेली गनेश तुलसी ऐसे बहुत सारे किरदार जो हो गए वो देखने को मिलेंगे और वैसे तो सभी ने बहुत ही अच्छा काम फिल्म में किया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था हरी ने जो कि साउथ के एक बहुत ही तगड़े डायरेक्टर रह चुके हैं क्योंकि पहले भी वो सिंगम सिंगम टू ऐसी बहुत सी मूवीज़ दे चुके हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की थी इन्होंने पहले भी एक्टर विशाल के साथ एक मूवी बनाई थी पूजा जो कि बहुत ही बढ़िया रही थी और वो भी दोस्तों फिल्म लोगों ने काफ़ी पसंद की थी और ये वाली मूवी भी दोस्तों लोगों ने काफ़ी पसंद की है और इस फिल्म को भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं अब वापस लौटते इस फिल्म की तरफ तो इसकी और रेटिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी है इसे प्रोड्यूस किया था स्टोन बेंच क्रिएशन ने और जी स्टूडियोज़ ने वहीं अगर फ़िल्म के बारे में थोड़ी आगे चर्चा की जाए तो ये जो मूवी है इसे तमिल के अंदर रिलीज़ कराया गया था उस टाइम पर ईयर जो थी वो हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई थी लेकिन आगे जाकर इसकी डबिंग को जी एंटरटेनमेंट ने करवाया था हो सकता है कि जियो सिनेमा और जो जी की डबिंग हो अलग अलग हो या ऐसा भी दोस्तों हो सकता है कि जी ने ही इस मूवी को दे दिया हो जियो सिनेमा को अब क्या होगा वो तो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब ये मूवी रिलीज़ होगी दोस्तों जियो सिनेमा पे तभी हम जो है यहाँ पर बता सकते हैं कि इसकी डबिंग कौन सी है जी जी फाइव वाली है या फिर जियो सिनेमा की अलग से कोई डब हुई है हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये जी की ही डबिंग दोस्तों निकलेंगी तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर किस प्रकार की कहानी शामिल है क्या खास है और जैसा कि हम इस वीडियो के जैसा कि हम इस मूवी का जो ट्रेलर वो देखते हैं तो थोड़ी बहुत कहानी का अनुमान तो लगाया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि इस फिल्म के अंदर कहानी होगी वो किस प्रकार की होगी हालांकि यहाँ पर जो रत्नम नाम है विशाल का ही रहता है और वही दोस्तों इस पूरी फिल्म के अंदर चमकते हुए हमें नज़र आते हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि जो रत्नम है यानी कि विशाल वो चितुर विधायक पन्नीर स्वामी यानी कि समुद्ध कारणी के जो है करीबी सहयोग होते हैं और हमेशा वो जो होते हैं वो एक दूसरे के संघर्ष में शामिल होता है और एक दिन वहाँ पर वह मल्लिका यानी कि प्रिया भवानी शंकर को देखता है और उसका पीछा पेड़ करना शुरू कर देता है क्योंकि पहली बार में वो उसे पसंद आ जाती है रतनम को यहाँ पर जल्द ही पता चलता है कि कुछ गुंडे मल्लिका को मारने की कोशिश कर रहे हैं और रतनम यहाँ पर मल्लिका की रक्षा के लिए बाहर जाता है अब ये गुंडे कौन है और वे मल्लिका को क्यों मारना चाहते हैं और रतनम ने यहाँ पर मल्लिका के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली है यही दोस्तों फिल्म इस बारे में है यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि रतनम उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर उसकी बहन निकलती है या फिर कुछ और ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखेंगे हालांकि फ़िल्म बहुत ही अच्छी दोस्तों है फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ दिखाया जाएगा काफ़ी तगड़ा एक्शन इस मूवी के अंदर शामिल है और बहुत ही ज़बरदस्त डबिंग भी आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर या फिर टी पर ज़रूर इन्जॉय करिएगा वैसे मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं होने देंगी आपको ये अच्छी ज़रूर दोस्तों लग सकती है दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में आज मैं आपको साउथ की एक नई फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में आई है इसके बारे में बात करेंगे साथ ही में इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे साउथ की अगर आप मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मैं साउथ की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ देता हूँ जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है रत्नम। ये मूवी 2024 की है काफ़ी अच्छी रिव्यू जिसे मिले हैं और इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन और बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग देखने को मिलेंगी अगर रन टाइम की बात करें तो इसका रन टाइम लगभग दो घंटे पैंतीस मिनट के आसपास का है और ये एक यू एस सेंसेड मूवी है और रेटिंग की बात की जाए तो इसकी जो आई एम डी बी रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है बहुत समय पहले इसे रिलीज़ कर दिया गया था अमेज़न प्राइम वीडियो पर लेकिन अब ये फ़िल्म हिंदी के अंदर भी आ रही है आप इसे हिंदी में भी दोस्तों देख पाएंगे तो चलिए बात करते हैं कि हिंदी में ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी हालांकि मेरा वीडियो लगभग आपको 24 सितंबर को देखने को मिल सकता है और ये मूवी उसी रात को यानी कि 25 सितंबर को ही जियो सिनेमा के ऊपर आने वाली है यानी कि आप इस कमाल की फ़िल्म को 25 सितंबर से जियो सिनेमा पर देख पाएंगे और हो सकता है कि मेरा वीडियो बाद में भी आए लेकिन हाँ ये मूवी पच्चीस सितम्बर को जियो सिनेमा पर हिंदी में आ चुकी होगी तो एक अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आप इसे सीधा ही जियो सिनेमा पर देख पाएंगे हालांकि अगर आप जियो सिनेमा पर इसे नहीं देखते हैं या फिर ये मूवी वहाँ पर फ्री में नहीं आती है या आपको फिर जो है वो लेनी पड़ती है सब्सक्रिप्शन, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो दोस्तों क्योंकि इसका वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हो रहा है सत्ताईस सितंबर को रात को आठ बजे जी सिनेमा पे अगर आप वहाँ पर नहीं देखना चाहते तो टीवी पर आप बिल्कुल फ्री में इसे देख पाएंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है आप इस कमाल की फ़िल्म को फिर देख सकते हैं अगर दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो फिल्म तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है और इसका जो ट्रेलर है वो भी दोस्तों काफ़ी गजब का है और फ़िल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आज ही दोस्तों इसका ट्रेलर रिलीज़ कराया गया है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको संकेत महाथरे सर का वॉइस ओवर देखने को मिलेगा जो कि विशाल पर एकदम परफेक्ट मैच भी होता है ये फिल्म बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है जो लोग एक्शन मूवी लवर है इनके लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी है साबित होगी इस फिल्म के कास्ट में आपको एक्टर विशाल प्रिया भवानी शंकर समुथ करणी मुरली शर्मा गौतम वासुदेव मैनन योगी बाबू गणेश वेंकटराम हरीश पेराडी वीटीवी गणेश डाली गणेश तुलसी ऐसे बहुत सारे किरदार जो हो गए वो देखने को मिलेंगे और वैसे तो सभी ने बहुत ही अच्छा काम फ़िल्म में किया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था हरी ने जो कि साउथ के एक बहुत ही तगड़े डायरेक्टर रह चुके हैं क्योंकि पहले भी वो सिंगम सिंगम टू ऐसे बहुत सी मूवीज़ दे चुके हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की थी इन्होंने पहले भी एक्टर विशाल के साथ एक मूवी बनाई थी पूजा जो कि बहुत ही बढ़िया रही थी और वो भी दोस्तों फिल्म लोगों ने काफ़ी पसंद की थी और ये वाली मूवी भी दोस्तों लोगों ने काफ़ी पसंद की है और इस फिल्म को भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं वापस लौटते इस फिल्म की तरफ तो इसकी और रेटिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी है इसे प्रोड्यूस किया था स्टोन बेंच क्रिएशन ने और जी स्टूडियोज़ ने वहीं अगर फ़िल्म के बारे में थोड़ी आगे चर्चा की जाए तो ये जो मूवी है इसे तमिल के अंदर रिलीज़ कराया गया था उस टाइम पर यह जो थी वो हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई थी लेकिन आगे जाकर इसकी डबिंग को जी एंटरटेनमेंट ने करवाया था हो सकता है कि जियो सिनेमा और जो जी की डबिंग हो अलग अलग हो या ऐसा भी दोस्तों हो सकता है कि जी ने ही इस मूवी को दे दिया हो जियो सिनेमा को अब क्या होगा वो तो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब ये मूवी रिलीज़ होगी दोस्तों जियो सिनेमा पे तभी हम जो है यहाँ पर बता सकते हैं कि इसकी डबिंग कौन सी है जी जी फाइव वाली है या फिर जियो सिनेमा की अलग से कोई डब हुई है हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये जिये की ही डबिंग दोस्तों निकलेंगी तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर किस प्रकार की कहानी शामिल है क्या खास है और जैसा कि हम इस वीडियो के जैसा कि हम इस मूवी का जो ट्रेलर वो देखते हैं तो थोड़ी बहुत कहानी का अनुमान तो लगाया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि इस फिल्म के अंदर कहानी होगी वो किस प्रकार की होगी हालांकि यहाँ पर जो रत्नम नाम है विशाल का ही रहता है और वही दोस्तों इस पूरी फिल्म के अंदर चमकते हुए नजर आते हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि जो रत्नम है यानी कि विशाल वो चितुर विधायक पन्नीर स्वामी यानी कि समुद्ध कारणी के जो है करीबी सहयोग होते हैं और हमेशा वो जो होते हैं वो एक दूसरे के संघर्ष में शामिल होता है और एक दिन वहाँ पर वह मल्लिका यानी कि प्रियानी भवानी शंकर को देखता है और उसका पीछा पिर करना शुरू कर देता है क्योंकि पहली बार में वो उसे पसंद आ जाती है रतनम को यहाँ पर जल्द ही पता चलता है कि कुछ गुंडे मल्लिका को मारने की कोशिश कर रहे हैं और रतनम यहाँ पर मल्लिका की रक्षा के लिए बाहर जाता है अब ये गुंडे कौन है और वे मल्लिका को क्यों मारना चाहते हैं और रतनम ने यहाँ पर मल्लिका के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली है यही दोस्तों फिल्म इस बारे में है यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि रतनम उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर उसकी बहन निकलती है या फिर कुछ और ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखेंगे हालांकि फ़िल्म बहुत ही अच्छी दोस्तों है फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ दिखाया जाएगा काफ़ी तगड़ा एक्शन इस मूवी के अंदर शामिल है और बहुत ही ज़बरदस्त डबिंग भी आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर या फिर टी वी पर ज़रूर इंजॉय करिएगा वैसे मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं होने देंगी आपको अच्छी ज़रूर दोस्तों लग सकती है दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में आज मैं आपको साउथ की एक नई फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में आई है इसके बारे में बात करेंगे साथ ही में इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे साउथ की अगर आप मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मैं साउथ की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ देता हूँ जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है रतनम ये मूवी 2024 की है काफ़ी अच्छी रिव्यू जिसे मिले हैं और इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन और बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग देखने को मिलेंगी अगर रन टाइम की बात करें तो इसका रन टाइम लगभग दो घंटे पैंतीस मिनट के आसपास का है और ये एक यू एस सेंसेड मूवी है और रेटिंग की बात की जाए तो इसकी जो आई एम डी बी रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है बहुत समय पहले इसे रिलीज़ कर दिया गया था अमेज़न प्राइम वीडियो पर लेकिन अब ये फ़िल्म हिंदी के अंदर भी आ रही है आप इसे हिंदी में भी दोस्तों देख पाएंगे तो चलिए बात करते हैं कि हिंदी में ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी हालांकि मेरा वीडियो लगभग आपको 24 सितंबर को देखने को मिल सकता है और ये मूवी उसी रात को यानी कि 25 सितंबर को ही जियो सिनेमा के ऊपर आने वाली है यानी कि आप इस कमाल की फ़िल्म को 25 सितंबर से जियो सिनेमा पर देख पाएंगे और हो सकता है कि मेरा वीडियो बाद में भी आए लेकिन हाँ ये मूवी पच्चीस सितम्बर को जियो सिनेमा पर हिंदी में आ चुकी होगी तो एक अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आप इसे सीधा ही जियो सिनेमा पर देख पाएंगे हालांकि अगर आप जियो सिनेमा पर इसे नहीं देखते हैं या फिर ये मूवी वहाँ पर फ्री में नहीं आती है या आपको फिर जो है वो लेनी पड़ती है सब्सक्रिप्शन तो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो दोस्तों क्योंकि इसका वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हो रहा है सत्ताईस सितंबर को रात को आठ बजे जी सिनेमा पे अगर आप वहाँ पर नहीं देखना चाहते तो टीवी पर आप बिल्कुल फ्री में इसे देख पाएंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है आप इस कमाल की फ़िल्म को फिर देख सकते हैं अगर दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो फिल्म तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है और इसका जो टेलर है वो भी दोस्तों काफ़ी गजब का है और फ़िल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आज ही दोस्तों इसका टेलर रिलीज़ कराया गया है और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपको संकेत महाथरे सर का वॉइस ओवर देखने को मिलेगा जो कि विशाल पर एकदम परफेक्ट मैच भी होता है ये फिल्म बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है जो लोग एक्शन मूवी लवर है इनके लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी है साबित होगी इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको एक्टर विशाल प्रिया भवानी शंकर समुद्र करडीन मुरली शर्मा गौतम वासुदेव मैनन योगी बाबू गणेश वेंकटराम हरीश पेराडी वीटीवी गणेश डेली गणेश तुलसी ऐसे बहुत सारे किरदार जो होंगे वो देखने को मिलेंगे और वैसे तो सभी ने बहुत ही अच्छा काम फिल्म में किया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था हरी ने जो कि साउथ के एक बहुत ही तगड़े डायरेक्टर रह चुके हैं क्योंकि पहले भी वो सिंगम सिंगम टू ऐसी बहुत सी मूवीज़ दे चुके हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की थी इन्होंने पहले भी एक्टर विशाल के साथ एक मूवी बनाई थी पूजा जो कि बहुत ही बढ़िया रही थी और वो भी दोस्तों फिल्म लोगों ने काफ़ी पसंद की थी और ये वाली मूवी भी दोस्तों लोगों ने काफ़ी पसंद की है और इस फिल्म को भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं वापस लौटते इस फिल्म की तरफ तो इसकी और रेटिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी है इसे प्रोड्यूस किया था स्टोन बेंच क्रिएशन ने और जी स्टूडियोज़ ने वहीं अगर फ़िल्म के बारे में थोड़ी आगे चर्चा की जाए तो ये जो मूवी है इसे तमिल के अंदर रिलीज़ कराया गया था उस टाइम पर य जो थी वो हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई थी लेकिन आगे जाकर इसकी डबिंग को जी एंटरटेनमेंट ने करवाया था हो सकता है कि जियो सिनेमा और जो जी की डबिंग हो अलग अलग हो या ऐसा भी दोस्त हो सकता है कि जी ने ही इस मूवी को दे दिया हो जियो सिनेमा को अब क्या होगा वो तो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब ये मूवी रिलीज़ होगी दोस्तों जियो सिनेमा पे तभी हम जो है यहाँ पर बता सकते हैं कि इसकी डबिंग कौन सी है जी जी फाइव वाली है या फिर जियो सिनेमा की अलग से कोई डब हुई है हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये जी की ही डबिंग दोस्तों निकलेंगी तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर किस प्रकार की कहानी शामिल है क्या खास है और जैसा कि हम इस वीडियो के जैसा कि हम इस मूवी का जो ट्रेलर वो देखते हैं तो थोड़ी बहुत कहानी का अनुमान तो लगाया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि इस फिल्म के अंदर कहानी होगी वो किस प्रकार की होगी हालांकि यहाँ पर जो रतनम नाम है विशाल का ही रहता है और वही दोस्तों इस पूरी फिल्म के अंदर चमकते हुए हमें नज़र आते हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि जो रत्नम है यानी कि विशाल वो चितुर विधायक पन्नीर स्वामी यानी कि समुद्ध कारणी के जो है करीबी सहयोग होते हैं और हमेशा वो जो होते हैं वो एक दूसरे के संघर्ष में शामिल होता है और एक दिन वहाँ पर वह मल्लिका यानी कि प्रियानी भवानी शंकर को देखता है और उसका पीछा फिर करना शुरू कर देता है क्योंकि पहली बार में वो उसे पसंद आ जाती है रतनम को यहाँ पर जल्द ही पता चलता है कि कुछ गुंडे मलिका को मारने की कोशिश कर रहे हैं और रतनम यहाँ पर मल्लिका की रक्षा के लिए बाहर जाता है अब ये गुंडे कौन है और वे मल्लिका को क्यों मारना चाहते हैं और रतनम ने यहाँ पर मलिका के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली है यही दोस्तों फिल्म इस बारे में है यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि रतनम उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर उसकी बहन निकलती है या फिर कुछ और ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखेंगे हालांकि फिल्म बहुत ही अच्छी दोस्तों है फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ दिखाया जाएगा काफ़ी तगड़ा एक्शन इस मूवी के अंदर शामिल है और बहुत ही ज़बरदस्त डबिंग भी आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर या फिर टीवी पर ज़रूर इंजॉय करिएगा वैसे मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं होने देंगी आपको अच्छी ज़रूर दोस्तों लग सकती है दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में आज मैं आपको साउथ की एक नई फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में आई है इसके बारे में बात करेंगे साथ ही में इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे साउथ की अगर आप मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मैं साउथ की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ देता हूँ जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है रत्नम ये मूवी 2024 की है काफ़ी अच्छी रिव्यू जिसे मिले हैं और इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन और बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग देखने को मिलेंगी अगर रन टाइम की बात करें तो इसका रन टाइम लगभग दो घंटे पैंतीस मिनट के आसपास का है और ये एक यू एस मूवी है और रेटिंग की बात की जाए तो इसकी जो आई रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है बहुत समय पहले इसे रिलीज़ कर दिया गया था अमेजोन प्राइम वीडियो पर लेकिन अब ये फ़िल्म हिंदी के अंदर भी आ रही है आप इसे हिंदी में भी दोस्तों देख पाएंगे तो चलिए बात करते हैं कि हिंदी में ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी हालांकि मेरा वीडियो लगभग आपको 24 सितंबर को देखने को मिल सकता है और ये मूवी उसी रात को यानी कि 25 सितंबर को ही जियो सिनेमा के ऊपर आने वाली है यानी कि आप इस कमाल की फ़िल्म को 25 सितंबर से जियो सिनेमा पर देख पाएंगे और हो सकता है कि मेरा वीडियो बाद में भी आए लेकिन हाँ ये मूवी 25 सितंबर को जियो सिनेमा पर हिंदी में आ चुकी होगी तो ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आप इसे सीधा ही जियो सिनेमा पर देख पाएंगे हालांकि अगर आप जियो सिनेमा पर इसे नहीं देखते हैं या फिर ये मूवी वहाँ पर फ्री में नहीं आती है या आपको फिर जो है वो लेनी पड़ती है सब्सक्रिप्शन तो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो दोस्तों क्योंकि इसका वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हो रहा है सत्ताईस सितम्बर को रात को आठ बजे जी सिनेमा पे अगर आप वहाँ पर नहीं देखना चाहते तो टी पर आप बिल्कुल फ्री में इसे देख पाएंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है आप इस कमाल की फ़िल्म को फिर देख सकते हैं अगर दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो फिल्म तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है और इसका जो ट्रेलर है वो भी दोस्तों काफ़ी गजब का है और फ़िल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आज ही दोस्तों इसका टेलर रिलीज़ कराया गया है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको संकेत महाथरे सर का ओवर देखने को मिलेगा जो कि विशाल पर एकदम परफेक्ट मैच भी होता है ये फिल्म बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है जो लोग एक्शन मूवी लवर है इनके लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी है साबित होगी इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको एक्टर विशाल प्रिया भवानी शंकर समुद्र करडीम मुरली शर्मा गौतम वासुदेव मैनन योगी बाबू गणेश वेंकटराम हरीश पेराडी वीटीवी गणेश डेली गणेश तुलसी ऐसे बहुत सारे किरदार जो हो गए वो देखने को मिलेंगे और वैसे तो सभी ने बहुत ही अच्छा काम फिल्म में किया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था हरी ने जो कि साउथ के एक बहुत ही तगड़े डायरेक्टर रह चुके हैं क्योंकि पहले भी वो सिंगम सिंगम टू ऐसे बहुत सी मूवीज़ दे चुके हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की थी इन्होंने पहले भी एक्टर विशाल के साथ एक मूवी बनाई थी पूजा जो कि बहुत ही बढ़िया रही थी और वो भी दोस्तों फिल्म लोगों ने काफ़ी पसंद की थी और ये वाली मूवी भी दोस्तों लोगों ने काफ़ी पसंद की है और इस फिल्म को भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं अब वापस लौटते इस फिल्म की तरफ तो इसकी और रेटिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी है इसे प्रोड्यूस किया था स्टोन बेंच क्रिएशन ने और जी स्टूडियोज़ ने वहीं अगर फ़िल्म के बारे में थोड़ी आगे चर्चा की जाए तो ये जो मूवी है इसे तमिल के अंदर रिलीज़ कराया गया था उस टाइम पर य जो थी वो हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई थी लेकिन आगे जा कर इसकी डबिंग को जी एंटरटेनमेंट ने करवाया था हो सकता है कि जियो सिनेमा और जो जी की डबिंग हो अलग अलग हो या ऐसा भी दोस्तों हो सकता है कि जी ने ही इस मूवी को दे दिया हो जियो सिनेमा को अब क्या होगा वो तो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब ये मूवी रिलीज़ होगी दोस्तों जियो सिनेमा पे तभी हम जो है यहाँ पर बता सकते हैं कि इसकी डबिंग कौन सी है जी जी फाइव वाली है या फिर जियो सिनेमा की अलग से कोई डब हुई है हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये जी की ही डबिंग दोस्तों निकलेंगी तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर किस प्रकार की कहानी शामिल है क्या खास है और जैसा कि हम इस वीडियो के जैसा कि हम इस मूवी का जो ट्रेलर वो देखते हैं तो थोड़ी बहुत कहानी का अनुमान तो लगाया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि इस फिल्म के अंदर कहानी होगी वो किस प्रकार की होगी हालांकि यहाँ पर जो रत्नम नाम है विशाल का ही रहता है और वही दोस्तों इस पूरी फिल्म के अंदर चमकते हुए हमें नजर आते हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि जो रत्नम है यानी कि विशाल वो चितुर विधायक पन्नीर स्वामी यानी कि समुद्ध कारणी के जो है करीबी सहयोग होते हैं और हमेशा वो जो होते हैं वो एक दूसरे के संघर्ष में शामिल होता है और एक दिन वहाँ पर वह मल्लिका यानी कि प्रियनी भवानी शंकर को देखता है और उसका पीछा पीर करना शुरू कर देता है क्योंकि पहली बार में वो उसे पसंद आ जाती है रतनम को यहाँ पर जल्द ही पता चलता है कि कुछ गुंडे मल्लिका को मारने की कोशिश कर रहे हैं और रतनम यहाँ पर मल्लिका की रक्षा के लिए बाहर जाता है अब ये गुंडे कौन है और वे मल्लिका को क्यों मारना चाहते हैं और रतनम ने यहाँ पर मल्लिका के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली है यही दोस्तों फिल्म इस बारे में है यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि रतनम उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर उसकी बहन निकलती है या फिर कुछ और ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखेंगे हालांकि फ़िल्म बहुत ही अच्छी दोस्तों है फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ दिखाया जाएगा काफ़ी तगड़ा एक्शन इस मूवी के अंदर शामिल है और बहुत ही ज़बरदस्त डबिंग भी आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर या फिर टी वी पर ज़रूर इन्जॉय करिएगा वैसे मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं होने देंगी आपको अच्छी ज़रूर दोस्तों लग सकती है दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में आज मैं आपको साउथ की एक नई फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में आई है इसके बारे में बात करेंगे साथ ही में इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे साउथ की अगर आप मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मैं साउथ की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ देता हूँ जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है रतनम ये मूवी 2024 की है काफ़ी अच्छी रिव्यू जिसे मिले हैं और इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन और बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग देखने को मिलेंगी अगर रन टाइम की बात करें तो इसका रन टाइम लगभग दो घंटे पैंतीस मिनट के आसपास का है और ये एक यू एस सेंसड मूवी है और रेटिंग की बात की जाए तो इसकी जो आई एम डी बी रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है बहुत समय पहले इसे रिलीज़ कर दिया गया था अमेज़न प्राइम वीडियो पर लेकिन अब ये फ़िल्म हिंदी के अंदर भी आ रही है आप इसे हिंदी में भी दोस्तों देख पाएंगे तो चलिए बात करते हैं कि हिंदी में ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी हालांकि मेरा वीडियो लगभग आपको 24 सितंबर को देखने को मिल सकता है और ये मूवी उसी रात को यानी कि 25 सितंबर को ही जियो सिनेमा के ऊपर आने वाली है यानी कि आप इस कमाल की फ़िल्म को 25 सितंबर से जियो सिनेमा पर देख पाएंगे और हो सकता है कि मेरा वीडियो बाद में भी आए लेकिन हाँ ये मूवी पच्चीस सितम्बर को जियो सिनेमा पर हिंदी में आ चुकी होगी तो एक अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आप इसे सीधा ही जियो सिनेमा पर देख पाएंगे हालांकि अगर आप जियो सिनेमा पर इसे नहीं देखते हैं या फिर ये मूवी वहाँ पर फ्री में नहीं आती है या आपको फिर जो है वो लेनी पड़ती है सब्सक्रिप्शन, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो दोस्तों क्योंकि इसका वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हो रहा है सत्ताईस सितंबर को रात को आठ बजे जी सिनेमा पे अगर आप वहाँ पर नहीं देखना चाहते तो टीवी पर आप बिल्कुल फ्री में इसे देख पाएंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है आप इस कमाल की फ़िल्म को फिर देख सकते हैं अगर दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो फिल्म तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है और इसका जो ट्रेलर है वो भी दोस्तों काफ़ी गज़ब का है और फिल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आज ही दोस्तों इसका ट्रेलर रिलीज़ कराया गया है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको संकेत महातरे सर का वॉइस ओवर देखने को मिलेगा जो कि विशाल पर एकदम परफेक्ट मैच भी होता है ये फिल्म बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है जो लोग एक्शन मूवी लवर है इनके लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी है साबित होगी इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको एक्टर विशाल प्रिया भवानी शंकर समुद्र करणी मुरली शर्मा गौतम वासुदेव मैनन योगी बाबू गणेश वेंकटराम हरीश पेराडी वी गणेश डाली गणेश तुलसी ऐसे बहुत सारे किरदार जो होंगे वो देखने को मिलेंगे और वैसे तो सभी ने बहुत ही अच्छा काम फ़िल्म में किया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था हरी ने जो कि साउथ के एक बहुत ही तगड़े डायरेक्टर रह चुके हैं क्योंकि पहले भी वो सिंगम सिंगम टू ऐसे बहुत सी मूवीज़ दे चुके हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की थी इन्होंने पहले भी एक्टर विशाल के साथ एक मूवी बनाई थी पूजा जो कि बहुत ही बढ़िया रही थी और वो भी दोस्तों फिल्म लोगों ने काफ़ी पसंद की थी और ये वाली मूवी भी दोस्तों लोगों ने काफ़ी पसंद की है और इस फिल्म को भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं अब वापस लौटते इस फिल्म की तरफ तो इसकी और रेटिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी है इसे प्रोड्यूस किया था स्टॉन बेंच क्रिएशन ने और जी स्टूडियोज़ ने वहीं अगर फ़िल्म के बारे में थोड़ी आगे चर्चा की जाए तो ये जो मूवी है इसे तमिल के अंदर रिलीज़ कराया गया था उस टाइम पर जो थी वो हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई थी लेकिन आगे जाकर इसकी डबिंग को जी एंटरटेनमेंट ने करवाया था हो सकता है कि जियो सिनेमा और जो जी की डबिंग हो अलग अलग हो या ऐसा भी दोस्तों हो सकता है कि जी ने ही इस मूवी को दे दिया हो जियो सिनेमा को अब क्या होगा वो तो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब ये मूवी रिलीज़ होगी दोस्तों जियो सिनेमा पे तभी हम जो है यहाँ पर बता सकते हैं कि इसकी डबिंग कौन सी है जी जी फाइव वाली है या फिर जियो सिनेमा की अलग से कोई डब हुई है हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये जे की ही डबिंग दोस्तों निकलेंगी तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर किस प्रकार की कहानी शामिल है क्या ख़ास है और जैसा कि हम इस वीडियो के जैसा कि हम इस मूवी का जो ट्रेलर वो देखते हैं तो थोड़ी बहुत कहानी का अनुमान तो लगाया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि इस फिल्म के अंदर कहानी होगी वो किस प्रकार की होगी हालांकि यहाँ पर जो रत्नम नाम है विशाल का ही रहता है और वही दोस्तों इस पूरी फिल्म के अंदर चमकते हुए हमें नजर आते हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि जो रत्नम है यानी कि विशाल वो चितुर विधायक पन्नीर स्वामी यानी कि समुद्ध कारणी के जो है करीबी सहयोग होते हैं और हमेशा वो जो होते हैं वो एक दूसरे के संघर्ष में शामिल होता है और एक दिन वहाँ पर वह मल्लिका यानी कि प्रियानी पवानी शंकर को देखता है और उसका पीछा फिर करना शुरू कर देता है क्योंकि पहली बार में वो उसे पसंद आ जाती है रतनम को यहाँ पर जल्द ही पता चलता है कि कुछ गुंडे मलिका को मारने की कोशिश कर रहे हैं और रतनम यहाँ पर मल्लिका की रक्षा के लिए बाहर जाता है अब ये गुंडे कौन है और वे मल्लिका को क्यों मारना चाहते हैं और रतनम ने यहाँ पर मलिका के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली है यही दोस्तों फिल्म इस बारे में है यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि रतनम उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर उसकी बहन निकलती है या फिर कुछ और ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखेंगे हालांकि फिल्म बहुत ही अच्छी दोस्तों है फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ दिखाया जाएगा काफ़ी तगड़ा एक्शन इस मूवी के अंदर शामिल है और बहुत ही ज़बरदस्त डबिंग भी आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर या फिर टीवी पर ज़रूर एंजॉय करिएगा वैसे मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं होने देंगी आपको अच्छी ज़रूर दोस्तों लग सकती है दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में आज मैं आपको साउथ की एक नई फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में आई है इसके बारे में बात करेंगे साथ ही में इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे साउथ की अगर आप मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मैं साउथ की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ देता हूँ जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है रत्नम यह मूवी 2024 की है काफ़ी अच्छी रिव्यू जिसे मिले हैं और इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन और बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग देखने को मिलेंगी अगर रन टाइम की बात करें तो इसका रन टाइम लगभग दो घंटे पैंतीस मिनट के आसपास का है और ये एक यू एस मूवी है और रेटिंग की बात की जाए तो इसकी जो आई रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है बहुत समय पहले इसे रिलीज़ कर दिया गया था अमेज़न प्राइम वीडियो पर लेकिन अब ये फ़िल्म हिंदी के अंदर भी आ रही है आप इसे हिंदी में भी दोस्तों देख पाएंगे तो चलिए बात करते हैं कि हिंदी में ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी हालांकि मेरा ये वीडियो लगभग आपको 24 सितंबर को देखने को मिल सकता है और ये मूवी उसी रात को यानी कि 25 सितंबर को ही जियो सिनेमा के ऊपर आने वाली है यानी कि आप इस कमाल की फ़िल्म को 25 सितंबर से जियो सिनेमा पर देख पाएंगे और हो सकता है कि मेरा वीडियो बाद में भी आए लेकिन हाँ ये मूवी 25 सितंबर को जियो सिनेमा पर हिंदी में आ चुकी होगी तो ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आप इसे सीधा ही जियो सिनेमा पर देख पाएंगे हालांकि अगर आप जियो सिनेमा पर इसे नहीं देखते हैं या फिर ये मूवी वहाँ पर फ्री में नहीं आती है या आपको फिर जो है वो लेनी पड़ती है सब्सक्रिप्शन तो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो दोस्तों क्योंकि इसका वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हो रहा है सत्ताईस सितम्बर को रात को आठ बजे जी सिनेमा पे। अगर आप वहाँ पर नहीं देखना चाहते तो टी पर आप बिल्कुल फ्री में इसे देख पाएंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है आप इस कमाल की फ़िल्म को फिर देख सकते हैं अगर दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो फिल्म तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है और इसका जो ट्रेलर है वो भी दोस्तों काफ़ी गज़ब का है और फ़िल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आज ही दोस्तों इसका टेलर रिलीज कराया गया है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको संकेत महात्रे सर का वॉइस ओवर देखने को मिलेगा जो कि विशाल पर एकदम परफेक्ट मैच भी होता है ये फिल्म बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है जो लोग एक्शन मूवी लवर है इनके लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी है साबित होगी इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको एक्टर विशाल प्रिया भवानी शंकर समुद्र करणी मुरली शर्मा गौतम वासुदेव मैनन योगी बाबू गणेश वेंकटराम हरीश पेराडी वीटीवी गणेश डेली गणेश तुलसी ऐसे बहुत सारे किरदार जो हो गए वो देखने को मिलेंगे और वैसे तो सभी ने बहुत ही अच्छा काम फिल्म में किया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था हरी ने जो कि साउथ के एक बहुत ही तगड़े डायरेक्टर रह चुके हैं क्योंकि पहले भी वो सिंगम सिंगम टू ऐसे बहुत सी मूवीज़ दे चुके हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की थी इन्होंने पहले भी एक्टर विशाल के साथ एक मूवी बनाई थी पूजा जो कि बहुत ही बढ़िया रही थी और वो भी दोस्तों फिल्म लोगों ने काफ़ी पसंद की थी और ये वाली मूवी भी दोस्तों लोगों ने काफ़ी पसंद की है और इस फ़िल्म को भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं अब वापस लौटते इस फिल्म की तरफ तो इसकी और रेटिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी है इसे प्रोड्यूस किया था स्टॉन बेंच क्रिएशन ने और जी स्टूडियोज़ ने वहीं अगर फ़िल्म के बारे में थोड़ी आगे चर्चा की जाए तो ये जो मूवी है इसे तमिल के अंदर रिलीज़ कराया गया था उस टाइम पर ईयर जो थी वो हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई थी लेकिन आगे जाकर इसकी डबिंग को जी एंटरटेनमेंट ने करवाया था हो सकता है कि जियो सिनेमा और जो जी की डबिंग हो अलग अलग हो या ऐसा भी दोस्तों हो सकता है कि जी ने ही इस मूवी को दे दिया हो जियो सिनेमा को अब क्या होगा वो तो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब ये मूवी रिलीज़ होगी दोस्तों जियो सिनेमा पे तभी हम जो है यहाँ पर बता सकते हैं कि इसकी डबिंग कौन सी है जी जी फाइव वाली है या फिर जियो सिनेमा की अलग से कोई डब हुई है हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये जी की ही डबिंग दोस्तों निकलेंगी तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर किस प्रकार की कहानी शामिल है क्या खास है और जैसा कि हम इस वीडियो के जैसा कि हम इस मूवी का जो ट्रेलर वो देखते हैं तो थोड़ी बहुत कहानी का अनुमान तो लगाया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि इस फिल्म के अंदर कहानी होगी वो किस प्रकार की होगी हालांकि यहाँ पर जो रत्नम नाम है विशाल का ही रहता है और वही दोस्तों इस पूरी फिल्म के अंदर चमकते हुए हमें नज़र आते हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि जो रत्नम है यानी कि विशाल वो चितुर विधायक पनीर स्वामी यानी कि समुद्ध कारणी के जो है करीबी सहयोग होते हैं और हमेशा वो जो होते हैं वो एक दूसरे के संघर्ष में शामिल होता है और एक दिन वहाँ पर वह मल्लिका यानी कि प्रियनी भवानी शंकर को देखता है और उसका पीछा पिर करना शुरू कर देता है क्योंकि पहली बार में वो उसे पसंद आ जाती है रतनम को यहाँ पर जल्द ही पता चलता है कि कुछ गुंडे मल्लिका को मारने की कोशिश कर रहे हैं और रतनम यहाँ पर मल्लिका की रक्षा के लिए बाहर जाता है अब ये गुंडे कौन है और वे मल्लिका को क्यों मारना चाहते हैं और रतनम ने यहाँ पर मल्लिका के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली है यही दोस्तों फिल्म इस बारे में है यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि रत्न उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर उसकी बहन निकलती है या फिर कुछ और ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखेंगे हालांकि फ़िल्म बहुत ही अच्छी दोस्तों है फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ दिखाया जाएगा काफ़ी तगड़ा एक्शन इस मूवी के अंदर शामिल है और बहुत ही ज़बरदस्त डबिंग भी आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर या फिर टी पर ज़रूर इन्जॉय करिएगा वैसे मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं होने देंगी आपको ये अच्छी ज़रूर दोस्तों लग सकती है दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में आज मैं आपको साउथ की एक नई फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में आई है इसके बारे में बात करेंगे साथ ही में इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे साउथ की अगर आप मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मैं साउथ की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ देता हूँ जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है रतनम यह मूवी 2024 की है काफ़ी अच्छी रिव्यू जिसे मिले हैं और इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन और बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग देखने को मिलेंगी अगर रन टाइम की बात करें तो इसका रन टाइम लगभग दो घंटे पैंतीस मिनट के आसपास का है और ये एक यू एस मूवी है और रेटिंग की बात की जाए तो इसकी जो आई एम डी बी रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है बहुत समय पहले इसे रिलीज़ कर दिया गया था अमेज़न प्राइम वीडियो पर लेकिन अब ये फिल्म हिंदी के अंदर भी आ रही है आप इसे हिंदी में भी दोस्तों देख पाएंगे तो चलिए बात करते हैं कि हिंदी में ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी हालांकि मेरा ये वीडियो लगभग आपको 24 सितंबर को देखने को मिल सकता है और ये मूवी उसी रात को यानी कि 25 सितंबर को ही जियो सिनेमा के ऊपर आने वाली है यानी कि आप इस कमाल की फ़िल्म को 25 सितंबर से जियो सिनेमा पर देख पाएंगे और हो सकता है कि मेरा वीडियो बाद में भी आए लेकिन हाँ ये मूवी पच्चीस सितम्बर को जियो सिनेमा पर हिंदी में आ चुकी होगी तो एक अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आप इसे सीधा ही जियो सिनेमा पर देख पाएंगे हालांकि अगर आप जियो सिनेमा पर इसे नहीं देखते हैं या फिर ये मूवी वहाँ पर फ्री में नहीं आती है या आपको फिर जो है वो लेनी पड़ती है सब्सक्रिप्शन तो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो दोस्तों क्योंकि इसका वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हो रहा है सत्ताईस सितंबर को रात को आठ बजे जी सिनेमा पे अगर आप वहाँ पर नहीं देखना चाहते तो टीवी पर आप बिल्कुल फ्री में इसे देख पाएंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है आप इस कमाल की फ़िल्म को फिर देख सकते हैं अगर दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो फिल्म तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है और इसका जो ट्रेलर है वो भी दोस्तों काफ़ी गजब का है और फ़िल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आज ही दोस्तों इसका ट्रेलर रिलीज़ कराया गया है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको संकेत महाथरे सर का वॉइस ओवर देखने को मिलेगा जो कि विशाल पर एकदम परफेक्ट मैच भी होता है ये फिल्म बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है जो लोग एक्शन मूवी लवर है इनके लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी ये साबित होगी इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको एक्टर विशाल प्रिया भवानी शंकर समुत करडी मुरली शर्मा गौतम वासुदेव मैनन योगी बाबू गणेश वेंकटराम हरीश पेराडी वीटीवी गणेश डेली गणेश तुलसी ऐसे बहुत सारे किरदार जो होंगे वो देखने को मिलेंगे और वैसे तो सभी ने बहुत ही अच्छा काम फिल्म में किया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था हरी ने जो कि साउथ के एक बहुत ही तगड़े डायरेक्टर रह चुके हैं क्योंकि पहले भी वो सिंगम सिंगम टू ऐसी बहुत सी मूवीज़ दे चुके हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की थी इन्होंने पहले भी एक्टर विशाल के साथ एक मूवी बनाई थी पूजा जो कि बहुत ही बढ़िया रही थी और वो भी दोस्तों फिल्म लोगों ने काफ़ी पसंद की थी और ये वाली मूवी भी दोस्तों लोगों ने काफ़ी पसंद की है और इस फिल्म को भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं अब वापस लौटते हैं इस फिल्म की तरफ तो इसकी और रेटिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी है इसे प्रोड्यूस किया था स्टोन बेंच क्रिएशन ने और जी स्टूडियोज़ ने वहीं अगर फ़िल्म के बारे में थोड़ी आगे चर्चा की जाए तो ये जो मूवी है इसे तमिल के अंदर रिलीज़ कराया गया था उस टाइम पर जो थी वो हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई थी लेकिन आगे जाकर इसकी डबिंग को जी एंटरटेनमेंट ने करवाया था हो सकता है कि जियो सिनेमा और जो जी की डबिंग हो अलग अलग हो या ऐसा भी दोस्त हो सकता है कि जी ने ही इस मूवी को दे दिया हो जियो सिनेमा को अब क्या होगा वो तो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब ये मूवी रिलीज़ होगी दोस्तों जियो सिनेमा पे तभी हम जो है यहाँ पर बता सकते हैं कि इसकी डबिंग कौन सी है जी जी फाइव वाली है या फिर जियो सिनेमा की अलग से कोई डब हुई है हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि जी की ही डबिंग दोस्तों निकलेंगी तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर किस प्रकार की कहानी शामिल है क्या खास है और जैसा कि हम इस वीडियो के जैसा कि हम इस मूवी का जो ट्रेलर वो देखते हैं तो थोड़ी बहुत कहानी का अनुमान तो लगाया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि इस फिल्म के अंदर कहानी होगी वो किस प्रकार की होगी हालांकि यहाँ पर जो रतनम नाम है विशाल का ही रहता है और वही दोस्तों इस पूरी फिल्म के अंदर चमकते हुए नज़र आते हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि जो रत्नम है यानी कि विशाल वो चितुर विधायक पन्नीर स्वामी यानी कि समुद्ध कारणी के जो है करीबी सहयोग होते हैं और हमेशा वो जो होते हैं वो एक दूसरे के संघर्ष में शामिल होता है और एक दिन वहाँ पर वह मल्लिका यानी कि प्रियानी भवानी शंकर को देखता है और उसका पीछा पे करना शुरू कर देता है क्योंकि पहली बार में वो उसे पसंद आ जाती है रत्नम को यहाँ पर जल्द ही पता चलता है कि कुछ गुंडे मल्लिका को मारने की कोशिश कर रहे हैं और रतनम यहाँ पर मल्लिका के रक्षा के लिए बाहर जाता है अब ये गुंडे कौन है और वे मल्लिका को क्यों मारना चाहते हैं और रतनम ने यहाँ पर मल्लिका के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली है यही दोस्तों फिल्म इस बारे में है यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि रतनम उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर उसकी बहन निकलती है या फिर कुछ और ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखेंगे हालांकि फिल्म बहुत ही अच्छी दोस्तों है फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ दिखाया जाएगा काफ़ी तगड़ा एक्शन इस मूवी के अंदर शामिल है और बहुत ही ज़बरदस्त डबिंग भी आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर या फिर टी पर ज़रूर इंजॉय करिएगा वैसे मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं होने देंगी आपको ये अच्छी ज़रूर दोस्तों लग सकती है दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में आज मैं आपको साउथ की एक नई फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में आई है इसके बारे में बात करेंगे साथ ही में इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे साउथ की अगर आप मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मैं साउथ की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ देता हूँ जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है रत्नम ये मूवी 2024 की है काफ़ी अच्छी रिव्यू जिसे मिले हैं और इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन और बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग देखने को मिलेंगी अगर रन टाइम की बात करें तो इसका रन टाइम लगभग दो घंटे पैंतीस मिनट के आसपास का है और ये एक यू एस मूवी है और रेटिंग की बात की जाए तो इसकी जो आई रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है बहुत समय पहले इसे रिलीज़ कर दिया गया था अमेज़न प्राइम वीडियो पर लेकिन अब ये फ़िल्म हिंदी के अंदर भी आ रही है आप इसे हिंदी में भी दोस्तों देख पाएंगे तो चलिए बात करते हैं कि हिंदी में ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी हालांकि मेरा ये वीडियो लगभग आपको 24 सितंबर को देखने को मिल सकता है और ये मूवी उसी रात को यानी कि 25 सितंबर को ही जियो सिनेमा के ऊपर आने वाली है यानी कि आप इस कमाल की फिल्म को 25 सितंबर से जियो सिनेमा पर देख पाएंगे और हो सकता है कि मेरा वीडियो बाद में भी आए लेकिन हाँ ये मूवी 25 सितंबर को जियो सिनेमा पर हिंदी में आ चुकी होगी तो ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आप इसे सीधा ही जियो सिनेमा पर देख पाएंगे हालांकि अगर आप जियो सिनेमा पर इसे नहीं देखते हैं या फिर ये मूवी वहाँ पर फ्री में नहीं आती है या आपको फिर जो है वो लेनी पड़ती है सब्सक्रिप्सन तो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो दोस्तों क्योंकि इसका वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हो रहा है सत्ताईस सितम्बर को रात को आठ बजे जी सिनेमा पे अगर आप वहाँ पर नहीं देखना चाहते तो टी पर आप बिल्कुल फ्री में इसे देख पाएंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है आप इस कमाल की फ़िल्म को फिर देख सकते हैं अगर दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो फ़िल्म तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है और इसका जो ट्रेलर है वो भी दोस्तों काफ़ी गज़ब का है और फ़िल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आज ही दोस्तों इसका ट्रेलर रिलीज कराया गया है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको संकेत महातरे सर का वॉइस ओवर देखने को मिलेगा जो कि विशाल पर एकदम परफेक्ट मैच भी होता है ये फिल्म बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है जो लोग एक्शन मूवी लवर है इनके लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी साबित होगी इस फिल्म के कास्ट में आपको एक्टर विशाल प्रिया भवानी शंकर समुद्र करणी मुरली शर्मा गौतम वासुदेव मैनन योगी बाबू गणेश वैनिकटराम हरीश पेराडी वीटीवी गणेश डेली गणेश तुलसी ऐसे बहुत सारे किरदार जो हो वो देखने को मिलेंगे और वैसे तो सभी ने बहुत ही अच्छा काम फिल्म में किया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था हरी ने जो कि साउथ के एक बहुत ही तगड़े डायरेक्टर रह चुके हैं क्योंकि पहले भी वो सिंगम सिंगम टू ऐसी बहुत सी मूवीज़ दे चुके हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की थी इन्होंने पहले भी एक्टर विशाल के साथ एक मूवी बनाई थी पूजा जो कि बहुत ही बढ़िया रही थी और वो भी दोस्तों फिल्म लोगों ने काफ़ी पसंद की थी और ये वाली मूवी भी दोस्तों लोगों ने काफ़ी पसंद की है और इस फ़िल्म को भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं अब वापस लौटते इस फिल्म की तरफ तो इसकी और रेटिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी है इसे प्रोड्यूस किया था स्टॉन बेंच क्रिएशन ने और जी स्टूडियोज़ ने वहीं अगर फ़िल्म के बारे में थोड़ी आगे चर्चा की जाए तो ये जो मूवी है इसे तमिल के अंदर रिलीज़ कराया गया था उस टाइम पर ईयर जो थी वो हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई थी लेकिन आगे जाकर इसकी डबिंग को जी एंटरटेनमेंट ने करवाया था हो सकता है कि जियो सिनेमा और जो जी की डबिंग हो अलग अलग हो या ऐसा भी दोस्तों हो सकता है कि जी ने ही इस मूवी को दे दिया हो जियो सिनेमा को अब क्या होगा वो तो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब ये मूवी रिलीज़ होगी दोस्तों जियो सिनेमा पे तभी हम जो है यहाँ पर बता सकते हैं कि इसकी डबिंग कौन सी है जी जी फाइव वाली है या फिर जियो सिनेमा की अलग से कोई डब हुई है हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये जी की ही डबिंग दोस्तों निकलेंगी तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर किस प्रकार की कहानी शामिल है क्या खास है और जैसा कि हम इस वीडियो के जैसा कि हम इस मूवी का जो ट्रेलर वो देखते हैं तो थोड़ी बहुत कहानी का अनुमान तो लगाया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि इस फिल्म के अंदर कहानी होगी वो किस प्रकार की होगी हालांकि यहाँ पर जो रत्नम नाम है विशाल का ही रहता है और वही दोस्तों इस पूरी फिल्म के अंदर चमकते हुए हमें नज़र आते हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि जो रत्नम है यानी कि विशाल वो चितुर विधायक पन्नीर स्वामी यानी कि समुद्ध कारणी के जो है करीबी सहयोग होते हैं और हमेशा वो जो होते हैं वो एक दूसरे के संघर्ष में शामिल होता है और एक दिन वहाँ पर वह मल्लिका यानी कि प्रियनी भवानी शंकर को देखता है और उसका पीछा पेड़ करना शुरू कर देता है क्योंकि पहली बार में वो उसे पसंद आ जाती है रतनम को यहाँ पर जल्द ही पता चलता है कि कुछ गुंडे मल्लिका को मारने की कोशिश कर रहे हैं और रतनम यहाँ पर मल्लिका की रक्षा के लिए बाहर जाता है अब ये गुंडे कौन है और वे मल्लिका को क्यों मारना चाहते हैं और रतनम ने यहाँ पर मल्लिका के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली है यही दोस्तों फिल्म इस बारे में है यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि रत्नम उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर उसकी बहन निकलती है या फिर कुछ और ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखेंगे हालांकि फ़िल्म बहुत ही अच्छी दोस्तों है फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ दिखाया जाएगा काफ़ी तगड़ा एक्शन इस मूवी के अंदर शामिल है और बहुत ही ज़बरदस्त डबिंग भी आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर या फिर टी पर ज़रूर इन्जॉय करिएगा वैसे मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं होने देंगी आपको अच्छी ज़रूर दोस्तों लग सकती है दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में आज मैं आपको साउथ की एक नई फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में आई है इसके बारे में बात करेंगे साथ ही में इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे साउथ की अगर आप मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मैं साउथ की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ देता हूँ जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है रत्नम ये मूवी 2024 की है काफ़ी अच्छी रिव्यू जिसे मिले हैं और इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन और बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग देखने को मिलेंगी अगर रन टाइम की बात करें तो इसका रन टाइम लगभग दो घंटे पैंतीस मिनट के आसपास का है और ये एक यू एस सेंसेड मूवी है और रेटिंग की बात की जाए तो इसकी जो आई एम डी बी रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है बहुत समय पहले इसे रिलीज़ कर दिया गया था अमेज़न प्राइम वीडियो पर लेकिन अब ये फ़िल्म हिंदी के अंदर भी आ रही है आप इसे हिंदी में भी दोस्तों देख पाएंगे तो चलिए बात करते हैं कि हिंदी में ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी हालांकि मेरा वीडियो लगभग आपको 24 सितंबर को देखने को मिल सकता है और ये मूवी उसी रात को यानी कि 25 सितंबर को ही जियो सिनेमा के ऊपर आने वाली है यानी कि आप इस कमाल की फ़िल्म को 25 सितंबर से जियो सिनेमा पर देख पाएंगे और हो सकता है कि मेरा वीडियो बाद में भी आए लेकिन हाँ ये मूवी पच्चीस सितम्बर को जियो सिनेमा पर हिंदी में आ चुकी होगी तो एक अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आप इसे सीधा ही जियो सिनेमा पर देख पाएंगे हालांकि अगर आप जियो सिनेमा पर इसे नहीं देखते हैं या फिर ये मूवी वहाँ पर फ्री में नहीं आती है या आपको फिर जो है वो लेनी पड़ती है सब्सक्रिप्शन, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो दोस्तों क्योंकि इसका वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हो रहा है सत्ताईस सितम्बर को रात को आठ बजे जी सिनेमा पर अगर आप वहाँ पर नहीं देखना चाहते तो टी पर आप बिल्कुल फ्री में इसे देख पाएंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है आप इस कमाल की फ़िल्म को फिर देख सकते हैं अगर दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो फिल्म तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है और इसका जो ट्रेलर है वो भी दोस्तों काफ़ी गजब का है और फ़िल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आज ही दोस्तों इसका ट्रेलर रिलीज़ कराया गया है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको संकेत महाथरे सर का ओवर देखने को मिलेगा जो कि विशाल पर एकदम परफेक्ट मैच भी होता है ये फिल्म बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है जो लोग एक्शन मूवी लवर है इनके लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी है साबित होगी इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको एक्टर विशाल प्रिया भवानी शंकर समुद्र करणी मुरली शर्मा गौतम वासुदेव मैनन योगी बाबू गणेश वेंकटराम हरीश पेराडी वीटीवी गणेश डेली गणेश तुलसी ऐसे बहुत सारे किरदार जो हो गए वो देखने को मिलेंगे और वैसे तो सभी ने बहुत ही अच्छा काम फ़िल्म में किया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था हरी ने जो कि साउथ के एक बहुत ही तगड़े डायरेक्टर रह चुके हैं क्योंकि पहले भी वो सिंगम सिंगम टू ऐसे बहुत सी मूवीज़ दे चुके हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की थी इन्होंने पहले भी एक्टर विशाल के साथ एक मूवी बनाई थी पूजा जो कि बहुत ही बढ़िया रही थी और वो भी दोस्तों फिल्म लोगों ने काफ़ी पसंद की थी और ये वाली मूवी भी दोस्तों लोगों ने काफ़ी पसंद की है और इस फ़िल्म को भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं अब वापस लौटते इस फिल्म की तरफ तो इसकी और रेटिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी है इसे प्रोड्यूस किया था स्टोन बेंच क्रिएशन ने और जी स्टूडियोज़ ने वहीं अगर फ़िल्म के बारे में थोड़ी आगे चर्चा की जाए तो ये जो मूवी है इसे तमिल के अंदर रिलीज़ कराया गया था उस टाइम पर य जो थी वो हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई थी लेकिन आगे जाकर इसकी डबिंग को जी एंटरटेनमेंट ने करवाया था हो सकता है कि जियो सिनेमा और जो जी की डबिंग हो अलग अलग हो या ऐसा भी दोस्तों हो सकता है कि जी ने ही इस मूवी को दे दिया हो जियो सिनेमा को अब क्या होगा वो तो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब ये मूवी रिलीज़ होगी दोस्तों जियो सिनेमा पे तभी हम जो है यहाँ पर बता सकते हैं कि इसकी डबिंग कौन सी है जी जी फाइव वाली है या फिर जियो सिनेमा की अलग से कोई डब हुई है हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि जे की ही डबिंग दोस्तों निकलेंगी तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर किस प्रकार की कहानी शामिल है क्या खास है और जैसा कि हम इस वीडियो के जैसा कि हम इस मूवी का जो ट्रेलर वो देखते हैं तो थोड़ी बहुत कहानी का अनुमान तो लगाया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि इस फिल्म के अंदर कहानी होगी वो किस प्रकार की होगी हालांकि यहाँ पर जो रतनम नाम है विशाल का ही रहता है और वही दोस्तों इस पूरी फिल्म के अंदर चमकते हुए नजर आते हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि जो रत्नम है यानी कि विशाल वो चितुर विधायक पन्नीर स्वामी यानी कि समुद्ध कारणी के जो है करीबी सहयोग होते हैं और हमेशा वो जो होते हैं वो एक दूसरे के संघर्ष में शामिल होता है और एक दिन वहाँ पर वह मल्लिका यानी कि प्रियानी भवानी शंकर को देखता है और उसका पीछा पेर करना शुरू कर देता है क्योंकि पहली बार में वो उसे पसंद आ जाती है रतनम को यहाँ पर जल्द ही पता चलता है कि कुछ गुंडे मल्लिका को मारने की कोशिश कर रहे हैं और रतनम यहाँ पर मल्लिका की रक्षा के लिए बाहर जाता है अब ये गुंडे कौन है और वे मल्लिका को क्यों मारना चाहते हैं और रतनम ने यहाँ पर मल्लिका के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली है यही दोस्तों फिल्म इस बारे में है यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि रतनम उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर उसकी बहन निकलती है या फिर कुछ और ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखेंगे हालांकि फिल्म बहुत ही अच्छी दोस्तों है फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ दिखाया जाएगा काफ़ी तगड़ा एक्शन इस मूवी के अंदर शामिल है और बहुत ही ज़बरदस्त डबिंग भी आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर या फिर टी पर ज़रूर इंजॉय करिएगा वैसे मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं होने देंगी आपको अच्छी ज़रूर दोस्तों लग सकती है दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में आज मैं आपको साउथ की एक नई फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में आई है इसके बारे में बात करेंगे साथ ही में इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे साउथ की अगर आप मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मैं साउथ की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ देता हूँ जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है रत्नम यह मूवी 2024 की है काफ़ी अच्छी रिव्यू जिसे मिले हैं और इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन और बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग देखने को मिलेंगी अगर रन टाइम की बात करें तो इसका रन टाइम लगभग दो घंटे पैंतीस मिनट के आसपास का है और ये एक यू एस मूवी है और रेटिंग की बात की जाए तो इसकी जो आई रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है बहुत समय पहले इसे रिलीज़ कर दिया गया था अमेज़न प्राइम वीडियो पर लेकिन अब ये फ़िल्म हिंदी के अंदर भी आ रही है आप इसे हिंदी में भी दोस्तों देख पाएंगे तो चलिए बात करते हैं कि हिंदी में ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी हालांकि मेरा वीडियो लगभग आपको 24 सितंबर को देखने को मिल सकता है और ये मूवी उसी रात को यानी कि 25 सितंबर को ही जीव सिनेमा के ऊपर आने वाली है यानी कि आप इस कमाल की फ़िल्म को पच्चीस सितंबर से, से जियो सिनेमा पर देख पाएंगे और हो सकता है कि मेरा वीडियो बाद में भी आए लेकिन हाँ ये मूवी पच्चीस सितंबर को जियो सिनेमा पर हिंदी में आ चुकी होगी तो ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आप इसे सीधा ही जियो सिनेमा पर देख पाएंगे हालांकि अगर आप जियो सिनेमा पर इसे नहीं देखते हैं या फिर ये मूवी वहाँ पर फ्री में नहीं आती है या आपको फिर जो है वो लेनी पड़ती है सब्सक्रिप्शन तो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो दोस्तों क्योंकि इसका वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हो रहा है सत्ताईस सितंबर को रात को आठ बजे जी सिनेमा पे अगर आप वहाँ पर नहीं देखना चाहते तो टीवी पर आप बिल्कुल फ्री में इसे देख पाएंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है आप इस कमाल की फ़िल्म को फिर देख सकते हैं अगर दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो फिल्म तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है और इसका जो ट्रेलर है वो भी दोस्तों काफ़ी गज़ब का है और फ़िल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आज ही दोस्तों इसका ट्रेलर रिलीज़ कराया गया है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको संकेत महाथरे सर का वॉइस ओवर देखने को मिलेगा जो कि विशाल पर एकदम परफेक्ट मैच भी होता है ये फिल्म बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है जो लोग एक्शन मूवी लवर है इनके लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी साबित होगी इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको एक्टर विशाल प्रिया भवानी शंकर समुद्र करणी मुरली शर्मा गौतम वासुदेव मैनन योगी बाबू गणेश वैनिकटराम हरीश पराडी वी टी वी गणेश डेली गणेश तुलसी ऐसे बहुत सारे किरदार जो हो गए वो देखने को मिलेंगे और वैसे तो सभी ने बहुत ही अच्छा काम फिल्म में किया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था हरी ने जो कि साउथ के एक बहुत ही तगड़े डायरेक्टर रह चुके हैं क्योंकि पहले भी वो सिंगम सिंगम टू ऐसे बहुत सी मूवीज़ दे चुके हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की थी इन्होंने पहले भी एक्टर विशाल के साथ एक मूवी बनाई थी पूजा जो कि बहुत ही बढ़िया रही थी और वो भी दोस्तों फिल्म लोगों ने काफ़ी पसंद की थी और ये वाली मूवी भी दोस्तों लोगों ने काफ़ी पसंद की है और इस फिल्म को भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं अब वापस लौटते इस फिल्म की तरफ तो इसकी और रेटिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी है इसे प्रोड्यूस किया था स्टोन बेंच क्रिएशन ने और जी स्टूडियोज़ ने वहीं अगर फ़िल्म के बारे में थोड़ी आगे चर्चा की जाए तो ये जो मूवी है इसे तमिल के अंदर रिलीज़ कराया गया था उस टाइम पर यह जो थी वो हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई थी लेकिन आगे जा इसकी डबिंग को जी एंटरटेनमेंट ने करवाया था हो सकता है कि जियो सिनेमा और जो जी की डबिंग हो अलग अलग हो या ऐसा भी दोस्तों हो सकता है कि जी ने ही इस मूवी को दे दिया हो जियो सिनेमा को अब क्या होगा वो तो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब ये मूवी रिलीज़ होगी दोस्तों जियो सिनेमा पे तभी हम जो है यहाँ पर बता सकते हैं कि इसकी डबिंग कौन सी है जी जी फाइव वाली है या फिर जियो सिनेमा की अलग से कोई डब हुई है हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये जी की ही डबिंग दोस्तों निकलेंगी तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर किस प्रकार की कहानी शामिल है क्या खास है और जैसा कि हम इस वीडियो के जैसा कि हम इस मूवी का जो ट्रेलर वो देखते हैं तो थोड़ी बहुत कहानी का अनुमान तो लगाया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि इस फिल्म के अंदर कहानी होगी वो किस प्रकार की होगी हालांकि यहाँ पर जो रत्नम नाम है विशाल का ही रहता है और वही दोस्तों इस पूरी फिल्म के अंदर चमकते हुए हमें नज़र आते हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि जो रत्नम है यानी कि विशाल वो चितुर विधायक पन्नीर स्वामी यानी कि समुद्ध कारणी के जो है करीबी सहयोग होते हैं और हमेशा वो जो होते हैं वो एक दूसरे के संघर्ष में शामिल होता है और एक दिन वहाँ पर वह मल्लिका यानी कि प्रियानी भवानी शंकर को देखता है और उसका पीछा पेड़ करना शुरू कर देता है क्योंकि पहली बार में वो उसे पसंद आ जाती है रतनम को यहाँ पर जल्दी ही पता चलता है कि कुछ गुंडे मल्लिका को मारने की कोशिश कर रहे हैं और रतनम यहाँ पर मल्लिका की रक्षा के लिए बाहर जाता है अब ये गुंडे कौन है और वे मल्लिका को क्यों मारना चाहते हैं और रतनम ने यहाँ पर मल्लिका के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली है यही दोस्तों फिल्म इस बारे में है यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि रत्ना उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर उसकी बहन निकलती है या फिर कुछ और ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखेंगे हालांकि फिल्म बहुत ही अच्छी दोस्तों है फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ दिखाया जाएगा काफ़ी तगड़ा एक्शन इस मूवी के अंदर शामिल है और बहुत ही ज़बरदस्त डबिंग भी आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर या फिर टी वी पर ज़रूर इंजॉय करिएगा वैसे मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं होने देंगी आपको अच्छी जरूर दोस्तों लग सकती है दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में आज मैं आपको साउथ की एक नई फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में आई है इसके बारे में बात करेंगे साथ ही में इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे साउथ की अगर आप मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मैं साउथ की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ देता हूँ जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है रतनम ये मूवी 2024 की है काफ़ी अच्छी रिव्यू जिसे मिले हैं और इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन और बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग देखने को मिलेंगी अगर रन टाइम की बात करें तो इसका रन टाइम लगभग दो घंटे पैंतीस मिनट के आसपास का है और ये एक यू एस सेंसेड मूवी है और रेटिंग की बात की जाए तो इसकी जो आई एम डी बी रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है बहुत समय पहले इसे रिलीज़ कर दिया गया था अमेज़न प्राइम वीडियो पर लेकिन अब ये फ़िल्म हिंदी के अंदर भी आ रही है आप इसे हिंदी में भी दोस्तों देख पाएंगे तो चलिए बात करते हैं कि हिंदी में ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी हालांकि मेरा ये वीडियो लगभग आपको 24 सितंबर को देखने को मिल सकता है और ये मूवी उसी रात को यानी कि 25 सितंबर को ही जियो सिनेमा के ऊपर आने वाली है यानी कि आप इस कमाल की फ़िल्म को 25 सितंबर से जियो सिनेमा पर देख पाएंगे और हो सकता है कि मेरा वीडियो बाद में भी आए लेकिन हाँ ये मूवी पच्चीस सितम्बर को जियो सिनेमा पर हिंदी में आ चुकी होगी तो एक अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आप इसे सीधा ही जियो सिनेमा पर देख पाएंगे हालांकि अगर आप जियो सिनेमा पर इसे नहीं देखते हैं या फिर ये मूवी वहाँ पर फ्री में नहीं आती है या आपको फिर जो है वो लेनी पड़ती है सब्सक्रिप्शन तो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो दोस्तों क्योंकि इसका वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हो रहा है सत्ताईस सितंबर को रात को आठ बजे जी सिनेमा पे अगर आप वहाँ पर नहीं देखना चाहते तो टीवी पर आप बिल्कुल फ्री में इसे देख पाएंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है आप इस कमाल की फ़िल्म को फिर देख सकते हैं अगर दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो फिल्म तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है और इसका जो ट्रेलर है वो भी दोस्तों काफ़ी गजब का है और फ़िल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आज ही दोस्तों इसका ट्रेलर रिलीज़ कराया गया है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको संकेत महाथरे सर का वॉइस ओवर देखने को मिलेगा जो कि विशाल पर एकदम परफेक्ट मैच भी होता है ये फिल्म बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है जो लोग एक्शन मूवी लवर है इनके लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी है साबित होगी इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको एक्टर विशाल प्रिया भवानी शंकर समुद्र करड़ी, मुरली शर्मा गौतम वासुदेव मैनन योगी बाबू गणेश वेंकटराम हरीश पेराडी वी गणेश डाली गणेश तुलसी ऐसे बहुत सारे किरदार जो हो गए वो देखने को मिलेंगे और वैसे तो सभी ने बहुत ही अच्छा काम फिल्म में किया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था हरी ने जो कि साउथ के एक बहुत ही तगड़े डायरेक्टर रह चुके हैं क्योंकि पहले भी वो सिंगम सिंगम टू ऐसे बहुत सी मूवीज़ दे चुके हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की थी इन्होंने पहले भी एक्टर विशाल के साथ एक मूवी बनाई थी पूजा जो कि बहुत ही बढ़िया रही थी और वो भी दोस्तों फिल्म लोगों ने काफ़ी पसंद की थी और ये वाली मूवी भी दोस्तों लोगों ने काफ़ी पसंद की है और इस फ़िल्म को भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं अब वापस लौटते इस फिल्म की तरफ तो इसकी और रेटिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी है इसे प्रोड्यूस किया था स्टोन बेंच क्रिएशन ने और जी स्टूडियोज़ ने वहीं अगर फ़िल्म के बारे में थोड़ी आगे चर्चा की जाए तो ये जो मूवी है इसे तमिल के अंदर रिलीज़ कराया गया था उस टाइम पर य जो थी वो हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई थी लेकिन आगे जाकर इसकी डबिंग को जी एंटरटेनमेंट ने करवाया था हो सकता है कि जियो सिनेमा और जो जी की डबिंग हो अलग अलग हो या ऐसा भी दोस्तों हो सकता है कि जी ने ही इस मूवी को दे दिया हो जियो सिनेमा को अब क्या होगा वो तो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब ये मूवी रिलीज़ होगी दोस्तों जियो सिनेमा पे तभी हम जो है यहाँ पर बता सकते हैं कि इसकी डबिंग कौन सी है जी जी फाइव वाली है या फिर जियो सिनेमा की अलग से कोई डब हुई है हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये जे की ही डबिंग दोस्तों निकलेंगी तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर किस प्रकार की कहानी शामिल है क्या खास है और जैसा कि हम इस वीडियो के जैसा कि हम इस मूवी का जो ट्रेलर वो देखते हैं तो थोड़ी बहुत कहानी का अनुमान तो लगाया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि इस फिल्म के अंदर कहानी होगी वो किस प्रकार की होगी हालांकि यहाँ पर जो रतनम नाम है विशाल का ही रहता है और वही दोस्तों इस पूरी फिल्म के अंदर चमकते हुए हमें नजर आते हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि जो रत्नम है यानी कि विशाल वो चितुर विधायक पन्नीर स्वामी यानी कि समुद्ध कारणी के जो है करीबी सहयोग होते हैं और हमेशा वो जो होते हैं वो एक दूसरे के संघर्ष में शामिल होता है और एक दिन वहाँ पर वह मल्लिका यानी कि प्रियानी भवानी शंकर को देखता है और उसका पीछा फिर करना शुरू कर देता है क्योंकि पहली बार में वो उसे पसंद आ जाती है रतनम को यहाँ पर जल्द ही पता चलता है कि कुछ गुंडे मल्लिका को मारने की कोशिश कर रहे हैं और रतनम यहाँ पर मल्लिका की रक्षा के लिए बाहर जाता है अब ये गुंडे कौन है और वे मल्लिका को क्यों मारना चाहते हैं और रतनम ने यहाँ पर मलिका के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली है यही दोस्तों फिल्म इस बारे में है यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि रतनम उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर उसकी बहन निकलती है या फिर कुछ और ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखेंगे हालांकि फिल्म बहुत ही अच्छी दोस्तों है फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ दिखाया जाएगा काफ़ी तगड़ा एक्शन इस मूवी के अंदर शामिल है और बहुत ही ज़बरदस्त डबिंग भी आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर या फिर टीवी पर ज़रूर इंजॉय करिएगा वैसे मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं होने देंगी आपको अच्छी ज़रूर दोस्तों लग सकती है दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में आज मैं आपको साउथ की एक नई फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में आई है इसके बारे में बात करेंगे साथ ही में इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे साउथ की अगर आप मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मैं साउथ की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ देता हूँ जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है रत्नम यह मूवी 2024 की है काफ़ी अच्छी रिव्यू जिसे मिले हैं और इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन और बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग देखने को मिलेंगी अगर रन टाइम की बात करें तो इसका रन टाइम लगभग दो घंटे पैंतीस मिनट के आसपास का है और ये एक यू एस मूवी है और रेटिंग की बात की जाए तो इसकी जो आई रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है बहुत समय पहले इसे रिलीज़ कर दिया गया था अमेजोन प्राइम वीडियो पर लेकिन अब ये फ़िल्म हिंदी के अंदर भी आ रही है आप इसे हिंदी में भी दोस्तों देख पाएंगे तो चलिए बात करते हैं कि हिंदी में ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी हालांकि मेरा वीडियो लगभग आपको 24 सितंबर को देखने को मिल सकता है और ये मूवी उसी रात को यानी कि 25 सितंबर को ही जियो सिनेमा के ऊपर आने वाली है यानी कि आप इस कमाल की फ़िल्म को 25 सितंबर से जियो सिनेमामा पर देख पाएंगे और हो सकता है कि मेरा वीडियो बाद में भी आए लेकिन हाँ ये मूवी 25 सितंबर को जियो सिनेमा पर हिंदी में आ चुकी होगी तो ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आप इसे सीधा ही जियो सिनेमा पर देख पाएंगे हालांकि अगर आप जियो सिनेमा पर इसे नहीं देखते हैं या फिर ये मूवी वहाँ पर फ्री में नहीं आती है या आपको फिर जो है वो लेनी पड़ती है सब्सक्रिप्शन तो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो दोस्तों क्योंकि इसका वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हो रहा है सत्ताईस सितम्बर को रात को आठ बजे जी सिनेमा पे अगर आप वहाँ पर नहीं देखना चाहते तो टीवी पर आप बिल्कुल फ्री में इसे देख पाएंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है आप इस कमाल की फ़िल्म को फिर देख सकते हैं अगर दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो फिल्म तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है और इसका जो ट्रेलर है वो भी दोस्तों काफ़ी गजब का है और फ़िल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आज ही दोस्तों इसका ट्रेलर रिलीज़ कराया गया है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको संकेत महाथरे सर का वॉइस ओवर देखने को मिलेगा जो कि विशाल पर एकदम परफेक्ट मैच भी होता है ये फिल्म बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है जो लोग एक्शन मूवी लवर है इनके लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी है साबित होगी इस फिल्म के कास्ट में आपको एक्टर विशाल प्रिया भवानी शंकर समुद्र करणी मुरली शर्मा गौतम वासुदेव मैनन योगी बाबू गणेश वेंकटराम हरीश पेराडी वीटीवी गणेश वी गणेश तुलसी ऐसे बहुत सारे किरदार जो होंगे वो देखने को मिलेंगे और वैसे तो सभी ने बहुत ही अच्छा काम फिल्म में किया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था हरी ने जो कि साउथ के एक बहुत ही तगड़े डायरेक्टर रह चुके हैं क्योंकि पहले भी वो सिंगम सिंगम टू ऐसे बहुत सी मूवीज़ दे चुके हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की थी इन्होंने पहले भी एक्टर विशाल के साथ एक मूवी बनाई थी पूजा जो कि बहुत ही बढ़िया रही थी और वो भी दोस्तों फिल्म लोगों ने काफ़ी पसंद की थी और ये वाली मूवी भी दोस्तों लोगों ने काफ़ी पसंद की है और इस फिल्म को भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं अब वापस लौटते इस फिल्म की तरफ तो इसकी और रेटिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी है इसे प्रोड्यूस किया था स्टोन बेंच क्रिएशन ने और जी स्टूडियोज़ ने वहीं अगर फ़िल्म के बारे में थोड़ी आगे चर्चा की जाए तो ये जो मूवी है इसे तमिल के अंदर रिलीज़ कराया गया था उस टाइम पर यह जो थी वो हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई थी लेकिन आगे जा कर इसकी डबिंग को जी एंटरटेनमेंट ने करवाया था हो सकता है कि जियो सिनेमा और जो जी की डबिंग हो अलग अलग हो या ऐसा भी दोस्तों हो सकता है कि जी ने ही इस मूवी को दे दिया हो जियो सिनेमा को अब क्या होगा वो तो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब ये मूवी रिलीज़ होगी दोस्तों जियो सिनेमा पे, तभी हम जो यहां है यहाँ पर बता सकते हैं कि इसकी डबिंग कौन सी है जी जी फाइव वाली है या फिर जियो सिनेमा की अलग से कोई डब हुई है हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये जी की ही डबिंग दोस्तों निकलेंगी तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर किस प्रकार की कहानी शामिल है क्या खास है और जैसा कि हम इस वीडियो के जैसा कि हम इस मूवी का जो ट्रेलर वो देखते हैं तो थोड़ी बहुत कहानी का अनुमान तो लगाया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि इस फिल्म के अंदर कहानी होगी वो किस प्रकार की होगी हालांकि यहाँ पर जो रत्नम नाम है विशाल का ही रहता है और वही दोस्तों इस पूरी फिल्म के अंदर चमकते हुए नजर आते हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि जो रत्नम है यानी कि विशाल वो चितुर विधायक पन्नीर स्वामी यानी कि कारणी के जो है करीबी सहयोग होते हैं और हमेशा वो जो होते हैं वो एक दूसरे के संघर्ष में शामिल होता है और एक दिन वहाँ पर वे मल्लिका यानी कि प्रियानी भवानी शंकर को देखता है और उसका पीछा पीर करना शुरू कर देता है क्योंकि पहली बार में वो उसे पसंद आ जाती है रतनम को यहाँ पर जल्द ही पता चलता है कि कुछ गुंडे मल्लिका को मारने की कोशिश कर रहे हैं और रतनम यहाँ पर मल्लिका की रक्षा के लिए बाहर जाता है अब ये गुंडे कौन है और वे मल्लिका को क्यों मारना चाहते हैं और रतनम ने यहाँ पर मल्लिका के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली है यही दोस्तों फिल्म इस बारे में है यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि रतनम उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर उसकी बहन निकलती है या फिर कुछ और ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखेंगे हालांकि फ़िल्म बहुत ही अच्छी दोस्तों है फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ दिखाया जाएगा काफ़ी तगड़ा एक्शन इस मूवी के अंदर शामिल है और बहुत ही ज़बरदस्त डबिंग भी आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर या फिर टी वी पर ज़रूर इंजॉय करिएगा वैसे मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं होने देंगी आपको अच्छी जरूर दोस्तों लग सकती है दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में आज मैं आपको साउथ की एक नई फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में आई है इसके बारे में बात करेंगे साथ ही में इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे साउथ की अगर आप मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मैं साउथ की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ देता हूँ जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है रतनम ये मूवी 2024 की है काफ़ी अच्छी रिव्यू जिसे मिले हैं और इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन और बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग देखने को मिलेंगी अगर रन टाइम की बात करें तो इसका रन टाइम लगभग दो घंटे पैंतीस मिनट के आसपास का है और ये एक यू एस सेंसेड मूवी है और रेटिंग की बात की जाए तो इसकी जो आई एम डी बी रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है बहुत समय पहले इसे रिलीज़ कर दिया गया था अमेज़न प्राइम वीडियो पर लेकिन अब ये फ़िल्म हिंदी के अंदर भी आ रही है आप इसे हिंदी में भी दोस्तों देख पाएंगे तो चलिए बात करते हैं कि हिंदी में ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी हालांकि मेरा वीडियो लगभग आपको 24 सितंबर को देखने को मिल सकता है और ये मूवी उसी रात को यानी कि 25 सितंबर को ही जियो सिनेमा के ऊपर आने वाली है यानी कि आप इस कमाल की फ़िल्म को 25 सितंबर से जियो सिनेमा पर देख पाएंगे और हो सकता है कि मेरा वीडियो बाद में भी आए लेकिन हाँ ये मूवी पच्चीस सितम्बर को जियो सिनेमा पर हिंदी में आ चुकी होगी तो एक अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आप इसे सीधा ही जियो सिनेमा पर देख पाएंगे हालांकि अगर आप जियो सिनेमा पर इसे नहीं देखते हैं या फिर ये मूवी वहाँ पर फ्री में नहीं आती है या आपको फिर जो है वो लेनी पड़ती है सब्सक्रिप्शन, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो दोस्तों क्योंकि इसका वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हो रहा है सत्ताईस सितंबर को रात को आठ बजे जी सिनेमा पे अगर आप वहाँ पर नहीं देखना चाहते तो टीवी पर आप बिल्कुल फ्री में इसे देख पाएंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है आप इस कमाल की फ़िल्म को फिर देख सकते हैं अगर दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो फिल्म तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है और इसका जो ट्रेलर है वो भी दोस्तों काफ़ी गजब का है और फ़िल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आज ही दोस्तों इसका ट्रेलर रिलीज़ कराया गया है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको संकेत महात्रे सर का वॉइस ओवर देखने को मिलेगा जो कि विशाल पर एकदम परफेक्ट मैच भी होता है ये फिल्म बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है जो लोग एक्शन मूवी लवर है इनके लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी है साबित होगी इस फिल्म की कास्ट में आपको एक्टर विशाल प्रिया भवानी शंकर समुत करड़ी, मुरली शर्मा गौतम वासुदेव मैनन योगी बाबू गणेश वेंकटराम हरीश पेराडी वी गणेश डाली गणेश तुलसी ऐसे बहुत सारे किरदार जो हो गए वो देखने को मिलेंगे और वैसे तो सभी ने बहुत ही अच्छा काम फिल्म में किया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था हरी ने जो कि साउथ के एक बहुत ही तगड़े डायरेक्टर रह चुके हैं क्योंकि पहले भी वो सिंगम सिंगम टू ऐसे बहुत सी मूवीज़ दे चुके हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की थी इन्होंने पहले भी एक्टर विशाल के साथ एक मूवी बनाई थी पूजा जो कि बहुत ही बढ़िया रही थी और वो भी दोस्तों फिल्म लोगों ने काफ़ी पसंद की थी और ये वाली मूवी दोस्तों लोगों ने काफ़ी पसंद की है और इस फिल्म को भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं अब वापस लौटते इस फिल्म की तरफ तो इसकी और रेटिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी है इसे प्रोड्यूस किया था स्टोन बेंच क्रिएशन ने और जी स्टूडियोज़ ने वहीं अगर फ़िल्म के बारे में थोड़ी आगे चर्चा की जाए तो ये जो मूवी है इसे तमिल के अंदर रिलीज़ कराया गया था उस टाइम पर य जो थी वो हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई थी लेकिन आगे जाकर इसकी डबिंग को जी एंटरटेनमेंट ने करवाया था हो सकता है कि जियो सिनेमा और जो जी की डबिंग हो अलग अलग हो या ऐसा भी दोस्तों हो सकता है कि जी ने ही इस मूवी को दे दिया हो जियो सिनेमा को अब क्या होगा वो तो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब ये मूवी रिलीज़ होगी दोस्तों जियो सिनेमा पे, तभी हम जो है यहाँ पर बता सकते हैं कि इसकी डबिंग कौन सी है जी जी फाइव वाली है या फिर जियो सिनेमा की अलग से कोई डब हुई है हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये जी की ही डबिंग दोस्तों निकलेंगी तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर किस प्रकार की कहानी शामिल है क्या खास है और जैसा कि हम इस वीडियो के जैसा कि हम इस मूवी का जो ट्रेलर वो देखते हैं तो थोड़ी बहुत कहानी का अनुमान तो लगाया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि इस फिल्म के अंदर कहानी होगी वो किस प्रकार की होगी हालांकि यहाँ पर जो रत्नम नाम है विशाल का ही रहता है और वही दोस्तों इस पूरी फिल्म के अंदर चमकते हुए हमें नज़र आते हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि जो रत्नम है यानी कि विशाल वो चितुर विधायक पन्नीर स्वामी यानी कि समुद्ध कारणी के जो है करीबी सहयोग होते हैं और हमेशा वो जो होते हैं वो एक दूसरे के संघर्ष में शामिल होता है और एक दिन वहाँ पर वह मल्लिका यानी कि प्रिया भवानी शंकर को देखता है और उसका पीछा पेड़ करना शुरू कर देता है क्योंकि पहली बार में वो उसे पसंद आ जाती है रतनम को यहाँ पर जल्द ही पता चलता है कि कुछ गुंडे मल्लिका को मारने की कोशिश कर रहे हैं और रतनम यहाँ पर मल्लिका की रक्षा के लिए बाहर जाता है अब ये गुंडे कौन है और वे मल्लिका को क्यों मारना चाहते हैं और रतनम ने यहाँ पर मल्लिका के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली है यही दोस्तों फिल्म इस बारे में है यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि रत्न उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर उसकी बहन निकलती है या फिर कुछ और ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखेंगे हालांकि फ़िल्म बहुत ही अच्छी दोस्तों है फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ दिखाया जाएगा काफ़ी तगड़ा एक्शन इस मूवी के अंदर शामिल है और बहुत ही ज़बरदस्त डबिंग भी आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर या फिर टी पर ज़रूर इन्जॉय करिएगा वैसे मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं होने देंगी आपको अच्छी ज़रूर दोस्तों लग सकती है दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में आज मैं आपको साउथ की एक नई फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में आई है इसके बारे में बात करेंगे साथ ही में इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे साउथ की अगर आप मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मैं साउथ की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ देता हूँ जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है रत्नम ये मूवी 2024 की है काफ़ी अच्छी रिव्यू जिसे मिले हैं और इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन और बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग देखने को मिलेंगी अगर रन टाइम की बात करें तो इसका रन टाइम लगभग दो घंटे पैंतीस मिनट के आसपास का है और ये एक यू एस सेंसेड मूवी है और रेटिंग की बात की जाए तो इसकी जो आई एम डी बी रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है बहुत समय पहले इसे रिलीज़ कर दिया गया था अमेज़न प्राइम वीडियो पर लेकिन अब ये फ़िल्म हिंदी के अंदर भी आ रही है आप इसे हिंदी में भी दोस्तों देख पाएंगे तो चलिए बात करते हैं कि हिंदी में ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी हालांकि मेरा वीडियो लगभग आपको 24 सितंबर को देखने को मिल सकता है और ये मूवी उसी रात को यानी कि 25 सितंबर को ही जियो सिनेमा के ऊपर आने वाली है यानी कि आप इस कमाल की फ़िल्म को 25 सितंबर से जियो सिनेमा पर देख पाएंगे और हो सकता है कि मेरा वीडियो बाद में भी आए लेकिन हाँ ये मूवी पच्चीस सितम्बर को जियो सिनेमा पर हिंदी में आ चुकी होगी तो एक अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आप इसे सीधा ही जियो सिनेमा पर देख पाएंगे हालांकि अगर आप जियो सिनेमा पर इसे नहीं देखते हैं या फिर ये मूवी वहाँ पर फ्री में नहीं आती है या आपको फिर जो है वो लेनी पड़ती है सब्सक्रिप्शन, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो दोस्तों क्योंकि इसका वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हो रहा है सत्ताईस सितम्बर को रात को आठ बजे जी सिनेमा पर अगर आप वहाँ पर नहीं देखना चाहते तो टी पर आप बिल्कुल फ्री में इसे देख पाएंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है आप इस कमाल की फ़िल्म को फिर देख सकते हैं अगर दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो फिल्म तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है और इसका जो ट्रेलर है वो भी दोस्तों काफ़ी गज़ब का है और फ़िल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आज ही दोस्तों इसका ट्रेलर रिलीज़ कराया गया है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको संकेत महाथरे सर का वॉइस ओवर देखने को मिलेगा जो कि विशाल पर एकदम परफेक्ट मैच भी होता है ये फिल्म बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है जो लोग एक्शन मूवी लवर है इनके लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी है साबित होगी इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको एक्टर विशाल प्रिया भवानी शंकर समुद्र करणी मुरली शर्मा गौतम वासुदेव मैनन योगी बाबू गणेश वेंकटराम हरीश पेराडी वीटीवी गणेश डेली गणेश तुलसी ऐसे बहुत सारे किरदार जो हो गए वो देखने को मिलेंगे और वैसे तो सभी ने बहुत ही अच्छा काम फ़िल्म में किया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था हरी ने जो कि साउथ के एक बहुत ही तगड़े डायरेक्टर रह चुके हैं क्योंकि पहले भी वो सिंगम सिंगम टू ऐसे बहुत सी मूवीज़ दे चुके हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की थी इन्होंने पहले भी एक्टर विशाल के साथ एक मूवी बनाई थी पूजा जो कि बहुत ही बढ़िया रही थी और वो भी दोस्तों फिल्म लोगों ने काफ़ी पसंद की थी और ये वाली मूवी भी दोस्तों लोगों ने काफ़ी पसंद की है और इस फिल्म को भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं वापस लौटते इस फिल्म की तरफ तो इसकी और रेटिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी है इसे प्रोड्यूस किया था स्टोन बेंच क्रिएशन ने और जी स्टूडियोज़ ने वहीं अगर फ़िल्म के बारे में थोड़ी आगे चर्चा की जाए तो ये जो मूवी है इसे तमिल के अंदर रिलीज़ कराया गया था उस टाइम पर यह जो थी वो हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई थी लेकिन आगे जाकर इसकी डबिंग को जी एंटरटेनमेंट ने करवाया था हो सकता है कि जियो सिनेमा और जो जी की डबिंग हो अलग अलग हो या ऐसा भी दोस्तों हो सकता है कि जी ने ही इस मूवी को दे दिया हो जियो सिनेमा को अब क्या होगा वो तो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब ये मूवी रिलीज़ होगी दोस्तों जियो सिनेमा पे। तभी हम जो है यहाँ पर बता सकते हैं कि इसकी डबिंग कौन सी है जी जी फाइव वाली है या फिर जियो सिनेमा की अलग से कोई डब हुई है हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये जी की ही डबिंग दोस्तों निकलेंगी तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर किस प्रकार की कहानी शामिल है क्या खास है और जैसा कि हम इस वीडियो के जैसा कि हम इस मूवी का जो ट्रेलर वो देखते हैं तो थोड़ी बहुत कहानी का अनुमान तो लगाया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि इस फिल्म के अंदर कहानी होगी वो किस प्रकार की होगी हालांकि यहाँ पर जो रत्नम नाम है विशाल का ही रहता है और वही दोस्तों इस पूरी फिल्म के अंदर चमकते हुए हमें नजर आते हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि जो रत्नम है यानी कि विशाल वो चितुर विधायक पन्नीर स्वामी यानी कि समुद्ध कारणी के जो है करीबी सहयोग होते हैं और हमेशा वो जो होते हैं वो एक दूसरे के संघर्ष में शामिल होता है और एक दिन वहाँ पर वह मल्लिका यानी कि प्रियनी भवानी शंकर को देखता है और उसका पीछा पिर करना शुरू कर देता है क्योंकि पहली बार में वो उसे पसंद आ जाती है रतनम को यहाँ पर जल्द ही पता चलता है कि कुछ गुंडे मल्लिका को मारने की कोशिश कर रहे हैं और रतनम यहाँ पर मल्लिका की रक्षा के लिए बाहर जाता है अब ये गुंडे कौन है और वे मल्लिका को क्यों मारना चाहते हैं और रतनम ने यहाँ पर मल्लिका के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली है यही दोस्तों फिल्म इस बारे में है यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि रतनम उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर उसकी बहन निकलती है या फिर कुछ और ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखेंगे हालांकि फ़िल्म बहुत ही अच्छी दोस्तों है फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ दिखाया जाएगा काफ़ी तगड़ा एक्शन इस मूवी के अंदर शामिल है और बहुत ही ज़बरदस्त डबिंग भी आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर या फिर टी वी पर ज़रूर इंजॉय करिएगा वैसे मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं होने देंगी आपको अच्छी ज़रूर दोस्तों लग सकती है दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में आज मैं आपको साउथ की एक नई फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में आई है इसके बारे में बात करेंगे साथ ही में इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे साउथ की अगर आप मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मैं साउथ की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ देता हूँ जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है रत्नम ये मूवी 2024 की है काफ़ी अच्छी रिव्यू जिसे मिले हैं और इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन और बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग देखने को मिलेंगी अगर रन टाइम की बात करें तो इसका रन टाइम लगभग दो घंटे पैंतीस मिनट के आसपास का है और ये एक यू एस मूवी है और अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसकी जो आई एम डी बी रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है बहुत समय पहले इसे रिलीज़ कर दिया गया था अमेज़न प्राइम वीडियो पर लेकिन अब ये फ़िल्म हिंदी के अंदर भी आ रही है आप इसे हिंदी में भी दोस्तों देख पाएंगे तो चलिए बात करते हैं कि हिंदी में ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी हालांकि मेरा ये वीडियो लगभग आपको चौबीस सितंबर को देखने को मिल सकता है और ये मूवी उसी रात को यानी कि 25 सितंबर को ही जियो सिनेमा के ऊपर आने वाली है यानी कि आप इस कमाल की फ़िल्म को 25 सितंबर से जियो सिनेमा पर देख पाएंगे और हो सकता है कि मेरा वीडियो बाद में भी आए लेकिन हाँ ये मूवी 25 सितंबर को जियो सिनेमा पर हिंदी में आ चुकी होगी तो ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आप इसे सीधा ही जियो सिनेमा पर देख पाएंगे हालांकि अगर आप जियो सिनेमा पर इसे नहीं देखते हैं या फिर ये मूवी वहाँ पर फ्री में नहीं आती है या आपको फिर जो है वो लेनी पड़ती है सब्सक्रिप्शन तो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो दोस्तों क्योंकि इसका वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हो रहा है सत्ताईस सितंबर को रात को आठ बजे जी सिनेमा पे अगर आप वहाँ पर नहीं देखना चाहते तो टीवी पर आप बिल्कुल फ्री में इसे देख पाएंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है आप इस कमाल की फ़िल्म को फिर देख सकते हैं अगर दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो फिल्म तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है और इसका जो ट्रेलर है वो भी दोस्तों काफ़ी गजब का है और फ़िल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आज ही दोस्तों इसका ट्रेलर रिलीज़ कराया गया है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको संकेत महातरे सर का वॉश ओवर देखने को मिलेगा जो कि विशाल पर एकदम परफेक्ट मैच भी होता है ये फिल्म बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है जो लोग एक्शन मूवी लवर है इनके लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी साबित होगी इस फिल्म के कास्ट में आपको एक्टर विशाल प्रिया भवानी शंकर समुद्र करणी मुरली शर्मा गौतम वासुदेव मैनन योगी बाबू गणेश वेंकटराम हरीश पेराडी वीटीवी गणेश डेली गणेश तुलसी ऐसे बहुत सारे किरदार जो होंगे वो देखने को मिलेंगे और वैसे तो सभी ने बहुत ही अच्छा काम फिल्म में किया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था हरी ने जो कि साउथ के एक बहुत ही तगड़े डायरेक्टर रह चुके हैं क्योंकि पहले भी वो सिंगम सिंगम टू ऐसे बहुत सी मूवीज़ दे चुके हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की थी इन्होंने पहले भी एक्टर विशाल के साथ एक मूवी बनाई थी पूजाए जो कि बहुत ही बढ़िया रही थी और वो भी दोस्तों फिल्म लोगों ने काफ़ी पसंद की थी और ये वाली मूवी भी दोस्तों लोगों ने काफ़ी पसंद की है और इस फिल्म को भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं अब वापस लौटते इस फिल्म की तरफ तो इसकी और रेटिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी है इसे प्रोड्यूस किया था स्टॉन बेंच क्रिएसन ने और जी स्टूडियोज़ ने वहीं अगर फ़िल्म के बारे में थोड़ी आगे चर्चा की जाए तो ये जो मूवी है इसे तमिल के अंदर रिलीज़ कराया गया था उस टाइम पर यह जो थी वो हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई थी लेकिन आगे जा इसकी डबिंग को जी एंटरटेनमेंट ने करवाया था हो सकता है कि जियो सिनेमा और जो जी की डबिंग हो अलग अलग हो या ऐसा भी दोस्त हो सकता है कि जी ने ही इस मूवी को दे दिया हो जियो सिनेमा को अब क्या होगा वो तो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब ये मूवी रिलीज़ होगी दोस्तों जियो सिनेमा पे तभी हम जो है यहाँ पर बता सकते हैं कि इसकी डबिंग कौन सी है जी जी फाइव वाली है या फिर जियो सिनेमा की अलग से कोई डब हुई है हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये जी की ही डबिंग दोस्तों निकलेंगी तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर किस प्रकार की कहानी शामिल है क्या खास है और जैसा कि हम इस वीडियो के जैसा कि हम इस मूवी का जो ट्रेलर वो देखते हैं तो थोड़ी बहुत कहानी का अनुमान तो लगाया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि इस फिल्म के अंदर कहानी होगी वो किस प्रकार की होगी हालांकि यहाँ पर जो रत्नम नाम है विशाल का ही रहता है और वही दोस्तों इस पूरी फिल्म के अंदर चमकते हुए हमें नज़र आते हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि जो रत्नम है यानी कि विशाल वो चितुर विधायक पन्नीर स्वामी यानी कि समुद्ध कारणी के जो है करीबी सहयोग होते हैं और हमेशा वो जो होते हैं वो एक दूसरे के संघर्ष में शामिल होता है और एक दिन वहाँ पर वह मल्लिका यानी कि प्रियानी पवानी शंकर को देखता है और उसका पीछा पेर करना शुरू कर देता है क्योंकि पहली बार में वो उसे पसंद आ जाती है रतनम को यहाँ पर जल्दी ही पता चलता है कि कुछ गुंडे मल्लिका को मारने की कोशिश कर रहे हैं और रतनम यहाँ पर मल्लिका की रक्षा के लिए बाहर जाता है अब ये गुंडे कौन है और वे मल्लिका को क्यों मारना चाहते हैं और रतनम ने यहाँ पर मल्लिका के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली है यही दोस्तों फिल्म इस बारे में है यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि रत्न उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर उसकी बहन निकलती है या फिर कुछ और ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखेंगे हालांकि फ़िल्म बहुत ही अच्छी दोस्तों है फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ दिखाया जाएगा काफ़ी तगड़ा एक्शन इस मूवी के अंदर शामिल है और बहुत ही ज़बरदस्त डबिंग भी आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर या फिर टीवी पर ज़रूर इन्जॉय करिएगा वैसे मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं होने देंगी आपको अच्छी जरूर दोस्तों लग सकती है दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में आज मैं आपको साउथ की एक नई फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में आई है इसके बारे में बात करेंगे साथ ही में इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे साउथ की अगर आप मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मैं साउथ की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ देता हूँ जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है रत्नम ये मूवी 2024 की है काफ़ी अच्छे रिव्यू जिसे मिले हैं और इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन और बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग देखने को मिलेंगी अगर रन टाइम की बात करें तो इसका रन टाइम लगभग दो घंटे पैंतीस मिनट के आसपास का है और ये एक यू एस सेंसेड मूवी है और रेटिंग की बात की जाए तो इसकी जो आई एम डी बी रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है बहुत समय पहले इसे रिलीज़ कर दिया गया था अमेज़न प्राइम वीडियो पर लेकिन अब ये फ़िल्म हिंदी के अंदर भी आ रही है आप इसे हिंदी में भी दोस्तों देख पाएंगे तो चलिए बात करते हैं कि हिंदी में ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी हालांकि मेरा वीडियो लगभग आपको 24 सितंबर को देखने को मिल सकता है और ये मूवी उसी रात को यानी कि 25 सितंबर को ही जियो सिनेमा के ऊपर आने वाली है यानी कि आप इस कमाल की फ़िल्म को 25 सितंबर से जियो सिनेमा पर देख पाएंगे और हो सकता है कि मेरा वीडियो बाद में भी आए लेकिन हाँ ये मूवी पच्चीस सितंबर को जियो सिनेमा पर हिंदी में आ चुकी होगी तो एक अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आप इसे सीधा ही जियो सिनेमा पर देख पाएंगे हालांकि अगर आप जियो सिनेमा पर इसे नहीं देखते हैं या फिर ये मूवी वहाँ पर फ्री में नहीं आती है या आपको फिर जो है वो लेनी पड़ती है सब्सक्रिप्शन तो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो दोस्तों क्योंकि इसका वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हो रहा है सत्ताईस सितंबर को रात को आठ बजे जी सिनेमा पे अगर आप वहाँ पर नहीं देखना चाहते तो टीवी पर आप बिल्कुल फ्री में इसे देख पाएंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है आप इस कमाल की फ़िल्म को फिर देख सकते हैं अगर दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो फिल्म तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है और इसका जो ट्रेलर है वो भी दोस्तों काफ़ी गजब का है और फ़िल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आज ही दोस्तों इसका ट्रेलर रिलीज़ कराया गया है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको संकेत महाथरे सर का वॉइस ओवर देखने को मिलेगा जो कि विशाल पर एकदम परफेक्ट मैच भी होता है ये फिल्म बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है जो लोग एक्शन मूवी लवर है इनके लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी है साबित होगी इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको एक्टर विशाल प्रिया भवानी शंकर समुद्र करडी मुरली शर्मा गौतम वासुदेव मैनन योगी बाबू गणेश वेंकटराम हरीश पेराडी वी गणेश डाली गणेश तुलसी ऐसे बहुत सारे किरदार जो हो गए वो देखने को मिलेंगे और वैसे तो सभी ने बहुत ही अच्छा काम फिल्म में किया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था हरी ने जो कि साउथ के एक बहुत ही तगड़े डायरेक्टर रह चुके हैं क्योंकि पहले भी वो सिंगम सिंगम टू ऐसे बहुत सी मूवीज़ दे चुके हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की थी इन्होंने पहले भी एक्टर विशाल के साथ एक मूवी बनाई थी पूजा जो कि बहुत ही बढ़िया रही थी और वो भी दोस्तों फिल्म लोगों ने काफ़ी पसंद की थी और ये वाली मूवी भी दोस्तों लोगों ने काफ़ी पसंद की है और इस फिल्म को भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं वापस लौटते इस फिल्म की तरफ तो इसकी और रेटिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी है इसे प्रोड्यूस किया था स्टॉन बेंच क्रिएशन ने और जी स्टूडियोज़ ने वहीं अगर फ़िल्म के बारे में थोड़ी आगे चर्चा की जाए तो ये जो मूवी है इसे तमिल के अंदर रिलीज़ कराया गया था उस टाइम पर यह जो थी वो हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई थी लेकिन आगे जाकर इसकी डबिंग को जी एंटरटेनमेंट ने करवाया था हो सकता है कि जियो सिनेमा और जो जी की डबिंग हो अलग अलग हो या ऐसा भी दोस्तों हो सकता है कि जी ने ही इस मूवी को दे दिया हो जियो सिनेमा को अब क्या होगा वो तो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब ये मूवी रिलीज़ होगी दोस्तों जियो सिनेमा पे तभी हम जो है यहाँ पर बता सकते हैं कि इसकी डबिंग कौन सी है जी जी फाइव वाली है या फिर जियो सिनेमा की अलग से कोई डब हुई है हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि जे की ही डबिंग दोस्तों निकलेंगी तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर किस प्रकार की कहानी शामिल है क्या खास है और जैसा कि हम इस वीडियो के जैसा कि हम इस मूवी का जो ट्रेलर वो देखते हैं तो थोड़ी बहुत कहानी का अनुमान तो लगाया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि इस फिल्म के अंदर कहानी होगी वो किस प्रकार की होगी हालांकि यहाँ पर जो रत्नम नाम है विशाल का ही रहता है और वही दोस्तों इस पूरी फिल्म के अंदर चमकते हुए हमें नज़र आते हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि जो रत्नम है यानी कि विशाल वो चितुर विधायक पन्नीर स्वामी यानी कि समुद्ध कारणी के जो है करीबी सहयोग होते हैं और हमेशा वो जो होते हैं वो एक दूसरे के संघर्ष में शामिल होता है और एक दिन वहाँ पर वह मल्लिका यानी कि प्रियनी भवानी शंकर को देखता है और उसका पीछा पिर करना शुरू कर देता है क्योंकि पहली बार में वो उसे पसंद आ जाती है रतनम को यहाँ पर जल्द ही पता चलता है कि कुछ गुंडे मल्लिका को मारने की कोशिश कर रहे हैं और रतनम यहाँ पर मल्लिका की रक्षा के लिए बाहर जाता है अब ये गुंडे कौन है और वे मल्लिका को क्यों मारना चाहते हैं और रतनम ने यहाँ पर मल्लिका के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली है यही दोस्तों फिल्म इस बारे में है यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि रतनम उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर उसकी बहन निकलती है या फिर कुछ और ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखेंगे हालांकि फ़िल्म बहुत ही अच्छी दोस्तों है फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ दिखाया जाएगा काफ़ी तगड़ा एक्शन इस मूवी के अंदर शामिल है और बहुत ही ज़बरदस्त डबिंग भी आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर या फिर टी पर ज़रूर इन्जॉय करिएगा वैसे मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं होने देंगी आपको ये अच्छी ज़रूर दोस्तों लग सकती है दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में आज मैं आपको साउथ की एक नई फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में आई है इसके बारे में बात करेंगे साथ ही में इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे साउथ की अगर आप मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मैं साउथ की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ देता हूँ जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है रतनम ये मूवी 2024 की है काफ़ी अच्छी रिव्यू जिसे मिले हैं और इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन और बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग देखने को मिलेंगी अगर रन टाइम की बात करें तो इसका रन टाइम लगभग दो घंटे पैंतीस मिनट के आसपास का है और ये एक यू एस सेंसेड मूवी है और रेटिंग की बात की जाए तो इसकी जो आई एम डी बी रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है बहुत समय पहले इसे रिलीज़ कर दिया गया था अमेज़न प्राइम वीडियो पर लेकिन अब ये फ़िल्म हिंदी के अंदर भी आ रही है आप इसे हिंदी में भी दोस्तों देख पाएंगे तो चलिए बात करते हैं कि हिंदी में ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी हालांकि मेरा वीडियो लगभग आपको 24 सितंबर को देखने को मिल सकता है और ये मूवी उसी रात को यानी कि 25 सितंबर को ही जियो सिनेमा के ऊपर आने वाली है यानी कि आप इस कमाल की फ़िल्म को 25 सितंबर से जियो सिनेमा पर देख पाएंगे और हो सकता है कि मेरा वीडियो बाद में भी आए लेकिन हाँ ये मूवी पच्चीस सितम्बर को जियो सिनेमा पर हिंदी में आ चुकी होगी तो एक अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आप इसे सीधा ही जियो सिनेमा पर देख पाएंगे हालांकि अगर आप जियो सिनेमा पर इसे नहीं देखते हैं या फिर ये मूवी वहाँ पर फ्री में नहीं आती है या आपको फिर जो है वो लेनी पड़ती है सब्सक्रिप्शन, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो दोस्तों क्योंकि इसका वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हो रहा है सत्ताईस सितंबर को रात को आठ बजे जी सिनेमा पे अगर आप वहाँ पर नहीं देखना चाहते तो टीवी पर आप बिल्कुल फ्री में इसे देख पाएंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है आप इस कमाल की फ़िल्म को फिर देख सकते हैं अगर दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो फिल्म तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है और इसका जो ट्रेलर है वो भी दोस्तों काफ़ी गजब का है और फिल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आज ही दोस्तों इसका ट्रेलर रिलीज़ कराया गया है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको संकेत महा्रे सर का वॉइस ओवर देखने को मिलेगा जो कि विशाल पर एकदम परफेक्ट मैच भी होता है ये फिल्म बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है जो लोग एक्शन मूवी लवर है इनके लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी है साबित होगी इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको एक्टर विशाल प्रिया भवानी शंकर समुद्र करड़ी, मुरली शर्मा गौतम वासुदेव मैनन योगी बाबू गणेश वेंकटराम हरीश पेराडी वीटीवी गणेश डाली गणेश तुलसी ऐसे बहुत सारे किरदार जो हो गए वो देखने को मिलेंगे और वैसे तो सभी ने बहुत ही अच्छा काम फ़िल्म में किया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था हरी ने जो कि साउथ के एक बहुत ही तगड़े डायरेक्टर रह चुके हैं क्योंकि पहले भी वो सिंगम सिंगम टू ऐसे बहुत सी मूवीज़ दे चुके हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की थी इन्होंने पहले भी एक्टर विशाल के साथ एक मूवी बनाई थी पूजा जो कि बहुत ही बढ़िया रही थी और वो भी दोस्तों फिल्म लोगों ने काफ़ी पसंद की थी और ये वाली मूवी भी दोस्तों लोगों ने काफ़ी पसंद की है और इस फिल्म को भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं अब वापस लौटते इस फिल्म की तरफ तो इसकी और रेटिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी है इसे प्रोड्यूस किया था स्टोन बेंच क्रिएशन ने और जी स्टूडियोज़ ने वहीं अगर फ़िल्म के बारे में थोड़ी आगे चर्चा की जाए तो ये जो मूवी है इसे तमिल के अंदर रिलीज़ कराया गया था उस टाइम पर यह जो थी वो हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई थी लेकिन आगे जा इसकी डबिंग को जी एंटरटेनमेंट ने करवाया था हो सकता है कि जियो सिनेमा और जो जी की डबिंग हो अलग अलग हो या ऐसा भी दोस्तों हो सकता है कि जी ने ही इस मूवी को दे दिया हो जियो सिनेमा को अब क्या होगा वो तो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब ये मूवी रिलीज़ होगी दोस्तों जियो सिनेमा पे तभी हम जो है यहाँ पर बता सकते हैं कि इसकी डबिंग कौन सी है जी जी फाइव वाली है या फिर जियो सिनेमा की अलग से कोई डब हुई है हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि जे की ही डबिंग दोस्तों निकलेंगी तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर किस प्रकार की कहानी शामिल है क्या खास है और जैसा कि हम इस वीडियो के जैसा कि हम इस मूवी का जो ट्रेलर वो देखते हैं तो थोड़ी बहुत कहानी का अनुमान तो लगाया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि इस फिल्म के अंदर कहानी होगी वो किस प्रकार की होगी हालांकि यहाँ पर जो रतनम नाम है विशाल का ही रहता है और वही दोस्तों इस पूरी फिल्म के अंदर चमकते हुए हमें नजर आते हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि जो रत्नम है यानी कि विशाल वो चितुर विधायक पन्नीर स्वामी यानी कि समुद्ध कारणी के जो है करीबी सहयोग होते हैं और हमेशा वो जो होते हैं वो एक दूसरे के संघर्ष में शामिल होता है और एक दिन वहाँ पर वे मल्लिका यानी कि प्रियानी भवानी शंकर को देखता है और उसका पीछा फिर करना शुरू कर देता है क्योंकि पहली बार में वो उसे पसंद आ जाती है रतनम को यहाँ पर जल्द ही पता चलता है कि कुछ गुंडे मल्लिका को मारने की कोशिश कर रहे हैं और रतनम यहाँ पर मल्का की रक्षा के लिए बाहर जाता है अब ये गुंडे कौन है और वे मल्लिका को क्यों मारना चाहते हैं और रतनम ने यहाँ पर मल्लिका के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली है यही दोस्तों फिल्म इस बारे में है यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि रतनम उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर उसकी बहन निकलती है या फिर कुछ और ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखेंगे हालांकि फ़िल्म बहुत ही अच्छी दोस्तों है फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ दिखाया जाएगा काफ़ी तगड़ा एक्शन इस मूवी के अंदर शामिल है और बहुत ही ज़बरदस्त डबिंग भी आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर या फिर टी पर ज़रूर इंजॉय करिएगा वैसे मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं होने देंगी आपको अच्छी ज़रूर दोस्तों लग सकती है दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में आज मैं आपको साउथ की एक नई फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में आई है इसके बारे में बात करेंगे साथ ही में इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे साउथ की अगर आप मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मैं साउथ की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ देता हूँ जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है रत्नम यह मूवी 2024 की है काफ़ी अच्छी रिव्यू जिसे मिले हैं और इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन और बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग देखने को मिलेंगी अगर रन टाइम की बात करें तो इसका रन टाइम लगभग दो घंटे पैंतीस मिनट के आसपास का है और ये एक यू एस मूवी है और रेटिंग की बात की जाए तो इसकी जो आई रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है बहुत समय पहले इसे रिलीज़ कर दिया गया था अमेज़न प्राइम वीडियो पर लेकिन अब ये फ़िल्म हिंदी के अंदर भी आ रही है आप इसे हिंदी में भी दोस्तों देख पाएंगे तो चलिए बात करते हैं कि हिंदी में ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी हालांकि मेरा ये वीडियो लगभग आपको 24 सितंबर को देखने को मिल सकता है और ये मूवी उसी रात को यानी कि 25 सितंबर को ही जियो सिनेमा के ऊपर आने वाली है यानी कि आप इस कमाल की फ़िल्म को पच्चीस सितम्बर से, से जियो सिनेमा पर देख पाएंगे और हो सकता है कि मेरा वीडियो बाद में भी आए लेकिन हाँ ये मूवी 25 सितंबर को जियो सिनेमा पर हिंदी में आ चुकी होगी तो ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आप इसे सीधा ही जियो सिनेमा पर देख पाएंगे हालांकि अगर आप जियो सिनेमा पर इसे नहीं देखते हैं या फिर ये मूवी वहाँ पर फ्री में नहीं आती है या आपको फिर जो है वो लेनी पड़ती है सब्सक्रिप्सन तो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो दोस्तों क्योंकि इसका वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हो रहा है सत्ताईस सितम्बर को रात को आठ बजे जी सिनेमा पे अगर आप वहाँ पर नहीं देखना चाहते तो टी पर आप बिल्कुल फ्री में इसे देख पाएंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है आप इस कमाल की फ़िल्म को फिर देख सकते हैं अगर दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो फ़िल्म तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है और इसका जो ट्रेलर है वो भी दोस्तों काफ़ी गज़ब का है और फ़िल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आज ही दोस्तों इसका ट्रेलर रिलीज कराया गया है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको संकेत महात्रे सर का वॉइस ओवर देखने को मिलेगा जो कि विशाल पर एकदम परफेक्ट मैच भी होता है ये फिल्म बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है जो लोग एक्शन मूवी लवर है इनके लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी साबित होगी इस फिल्म के कास्ट में आपको एक्टर विशाल प्रिया भवानी शंकर समुद्र करणी मुरली शर्मा गौतम वासुदेव मैनन योगी बाबू गणेश वैनिकटराम हरीश पेराडी वीटीवी गणेश डेली गणेश तुलसी ऐसे बहुत सारे किरदार जो होंगे वो देखने को मिलेंगे और वैसे तो सभी ने बहुत ही अच्छा काम फिल्म में किया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था हरी ने जो कि साउथ के एक बहुत ही तगड़े डायरेक्टर रह चुके हैं क्योंकि पहले भी वो सिंगम सिंगम टू ऐसी बहुत सी मूवीज़ दे चुके हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की थी इन्होंने पहले भी एक्टर विशाल के साथ एक मूवी बनाई थी पूजा जो कि बहुत ही बढ़िया रही थी और वो भी दोस्तों फिल्म लोगों ने काफ़ी पसंद की थी और ये वाली मूवी भी दोस्तों लोगों ने काफ़ी पसंद की है और इस फ़िल्म को भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं अब वापस लौटते इस फिल्म की तरफ तो इसकी और रेटिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी है इसे प्रोड्यूस किया था स्टॉन बेंच क्रिएशन ने और जी स्टूडियोज़ ने वहीं अगर फ़िल्म के बारे में थोड़ी आगे चर्चा की जाए तो ये जो मूवी है इसे तमिल के अंदर रिलीज़ कराया गया था उस टाइम पर ईयर जो थी वो हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई थी लेकिन आगे जाकर इसकी डबिंग को जी एंटरटेनमेंट ने करवाया था हो सकता है कि जियो सिनेमा और जो जी की डबिंग हो अलग अलग हो या ऐसा भी दोस्तों हो सकता है कि जी ने ही इस मूवी को दे दिया हो जियो सिनेमा को अब क्या होगा वो तो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब ये मूवी रिलीज़ होगी दोस्तों जियो सिनेमा पे तभी हम जो है यहाँ पर बता सकते हैं कि इसकी डबिंग कौन सी है जी जी फाइव वाली है या फिर जियो सिनेमा की अलग से कोई डब हुई है हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये जे की ही डबिंग दोस्तों निकलेंगी तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर किस प्रकार की कहानी शामिल है क्या ख़ास है और जैसा कि हम इस वीडियो के जैसा कि हम इस मूवी का जो ट्रेलर वो देखते हैं तो थोड़ी बहुत कहानी का अनुमान तो लगाया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि इस फिल्म के अंदर कहानी होगी वो किस प्रकार की होगी हालांकि यहाँ पर जो रतनम नाम है विशाल का ही रहता है और वही दोस्तों इस पूरी फिल्म के अंदर चमकते हुए हमें नज़र आते हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि जो रत्नम है यानी कि विशाल वो चितुर विधायक पन्नीर स्वामी यानी कि समुद्ध कारणी के जो है करीबी सहयोग होते हैं और हमेशा वो जो होते हैं वो एक दूसरे के संघर्ष में शामिल होता है और एक दिन वहाँ पर वह मल्लिका यानी कि प्रिया भवानी शंकर को देखता है और उसका पीछा पेड़ करना शुरू कर देता है क्योंकि पहली बार में वो उसे पसंद आ जाती है रतनम को यहाँ पर जल्द ही पता चलता है कि कुछ गुंडे मल्लिका को मारने की कोशिश कर रहे हैं और रतनम यहाँ पर मल्लिका की रक्षा के लिए बाहर जाता है अब ये गुंडे कौन है और वे मल्लिका को क्यों मारना चाहते हैं और रतनम ने यहाँ पर मल्लिका के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली है यही दोस्तों फिल्म इस बारे में है यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि रत्नम उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर उसकी बहन निकलती है या फिर कुछ और ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखेंगे हालांकि फ़िल्म बहुत ही अच्छी दोस्तों है फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ दिखाया जाएगा काफ़ी तगड़ा एक्शन इस मूवी के अंदर शामिल है और बहुत ही ज़बरदस्त डबिंग भी आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर या फिर टी वी पर ज़रूर इन्जॉय करिएगा वैसे मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं होने देंगी आपको ये अच्छी ज़रूर दोस्तों लग सकती है दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में आज मैं आपको साउथ की एक नई फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में आई है इसके बारे में बात करेंगे साथ ही में इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे साउथ की अगर आप मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मैं साउथ की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ देता हूँ जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है रत्नम ये मूवी 2024 की है काफ़ी अच्छी रिव्यू जिसे मिले हैं और इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन और बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग देखने को मिलेंगी अगर रन टाइम की बात करें तो इसका रन टाइम लगभग दो घंटे पैंतीस मिनट के आसपास का है और ये एक यूएस एस सेंसेड मूवी है और रेटिंग की बात की जाए तो इसकी जो आईएमडीबी रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है बहुत समय पहले इसे रिलीज़ कर दिया गया था अमेज़न प्राइम वीडियो पर लेकिन अब ये फ़िल्म हिंदी के अंदर भी आ रही है आप इसे हिंदी में भी दोस्तों देख पाएंगे तो चलिए बात करते हैं कि हिंदी में ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी हालांकि मेरा वीडियो लगभग आपको 24 सितंबर को देखने को मिल सकता है और ये मूवी उसी रात को यानी कि 25 सितंबर को ही जियो सिनेमा के ऊपर आने वाली है यानी कि आप इस कमाल की फ़िल्म को 25 सितंबर से जियो सिनेमा पर देख पाएंगे और हो सकता है कि मेरा वीडियो बाद में भी आए लेकिन हाँ ये मूवी पच्चीस सितम्बर को जियो सिनेमा पर हिंदी में आ चुकी होगी तो एक अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आप इसे सीधा ही जियो सिनेमा पर देख पाएंगे हालांकि अगर आप जियो सिनेमा पर इसे नहीं देखते हैं या फिर ये मूवी वहाँ पर फ्री में नहीं आती है या आपको फिर जो है वो लेनी पड़ती है सब्सक्रिप्शन, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो दोस्तों क्योंकि इसका वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हो रहा है सत्ताईस सितम्बर को रात को आठ बजे जी सिनेमा पर अगर आप वहाँ पर नहीं देखना चाहते तो टी पर आप बिल्कुल फ्री में इसे देख पाएंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है आप इस कमाल की फ़िल्म को फिर देख सकते हैं अगर दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो फिल्म तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है और इसका जो ट्रेलर है वो भी दोस्तों काफ़ी गजब का है और फ़िल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आज ही दोस्तों इसका ट्रेलर रिलीज़ कराया गया है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको संकेत महाथरे सर का ओवर देखने को मिलेगा जो कि विशाल पर एकदम परफेक्ट मैच भी होता है ये फिल्म बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है जो लोग एक्शन मूवी लवर है इनके लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी है साबित होगी इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको एक्टर विशाल प्रिया भवानी शंकर समुद्र करणी मुरली शर्मा गौतम वासुदेव मैनन योगी बाबू गणेश वेंकटराम हरीश पेराडी वीटीवी गणेश डेली गणेश तुलसी ऐसे बहुत सारे किरदार जो हो गए वो देखने को मिलेंगे और वैसे तो सभी ने बहुत ही अच्छा काम फ़िल्म में किया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था हरी ने जो कि साउथ के एक बहुत ही तगड़े डायरेक्टर रह चुके हैं क्योंकि पहले भी वो सिंगम सिंगम टू ऐसे बहुत सी मूवीज़ दे चुके हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की थी इन्होंने पहले भी एक्टर विशाल के साथ एक मूवी बनाई थी पूजा जो कि बहुत ही बढ़िया रही थी और वो भी दोस्तों फिल्म लोगों ने काफ़ी पसंद की थी और ये वाली मूवी भी दोस्तों लोगों ने काफ़ी पसंद की है और इस फिल्म को भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं अब वापस लौटते इस फिल्म की तरफ तो इसकी और रेटिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी है इसे प्रोड्यूस किया था स्टोन बेंच क्रिएशन ने और जी स्टूडियोज़ ने वहीं अगर फ़िल्म के बारे में थोड़ी आगे चर्चा की जाए तो ये जो मूवी है इसे तमिल के अंदर रिलीज़ कराया गया था उस टाइम पर य जो थी वो हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई थी लेकिन आगे जाकर इसकी डबिंग को जी एंटरटेनमेंट ने करवाया था हो सकता है कि जियो सिनेमा और जो जी के डबिंग हो अलग अलग हो या ऐसा भी दोस्तों हो सकता है कि जी ने ही इस मूवी को दे दिया हो जियो सिनेमा को अब क्या होगा वो तो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब ये मूवी रिलीज़ होगी दोस्तों जियो सिनेमा पे तभी हम जो है यहाँ पर बता सकते हैं कि इसकी डबिंग कौन सी है जी जी फाइव वाली है या फिर जियो सिनेमा की अलग से कोई डब हुई है हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि जे की ही डबिंग दोस्तों निकलेंगी तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर किस प्रकार की कहानी शामिल है क्या खास है और जैसा कि हम इस वीडियो के जैसा कि हम इस मूवी का जो ट्रेलर वो देखते हैं तो थोड़ी बहुत कहानी का अनुमान तो लगाया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि इस फिल्म के अंदर कहानी होगी वो किस प्रकार की होगी हालांकि यहाँ पर जो रतनम नाम है विशाल का ही रहता है और वही दोस्तों इस पूरी फिल्म के अंदर चमकते हुए हमें नजर आते हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि जो रत्नम है यानी कि विशाल वो चितुर विधायक पन्नीर स्वामी यानी कि समुद्ध कारणी के जो है करीबी सहयोग होते हैं और हमेशा वो जो होते हैं वो एक दूसरे के संघर्ष में शामिल होता है और एक दिन वहाँ पर वह मल्लिका यानी कि प्रियानी भवानी शंकर को देखता है और उसका पीछा पे करना शुरू कर देता है क्योंकि पहली बार में वो उसे पसंद आ जाती है रतनम को यहाँ पर जल्द ही पता चलता है कि कुछ गुंडे मल्लिका को मारने की कोशिश कर रहे हैं और रतनम यहाँ पर मल्लिका की रक्षा के लिए बाहर जाता है अब ये गुंडे कौन है और वे मल्लिका को क्यों मारना चाहते हैं और रतनम ने यहाँ पर मल्लिका के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली है यही दोस्तों फिल्म इस बारे में है यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि रतनम उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर उसकी बहन निकलती है या फिर कुछ और ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखेंगे हालांकि फ़िल्म बहुत ही अच्छी दोस्तों है फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ दिखाया जाएगा काफ़ी तगड़ा एक्शन इस मूवी के अंदर शामिल है और बहुत ही ज़बरदस्त डबिंग भी आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर या फिर टी पर ज़रूर इंजॉय करिएगा वैसे मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं होने देंगी आपको अच्छी ज़रूर दोस्तों लग सकती है दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में आज मैं आपको साउथ की एक नई फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में आई है इसके बारे में बात करेंगे साथ ही में इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे साउथ की अगर आप मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मैं साउथ की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ देता हूँ जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है रत्नम यह मूवी 2024 की है काफ़ी अच्छी रिव्यू जिसे मिले हैं और इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन और बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग देखने को मिलेंगी अगर रन टाइम की बात करें तो इसका रन टाइम लगभग दो घंटे पैंतीस मिनट के आसपास का है और ये एक यू एस मूवी है और रेटिंग की बात की जाए तो इसकी जो आई रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है बहुत समय पहले इसे रिलीज़ कर दिया गया था अमेज़न प्राइम वीडियो पर लेकिन अब ये फ़िल्म हिंदी के अंदर भी आ रही है आप इसे हिंदी में भी दोस्तों देख पाएंगे तो चलिए बात करते हैं कि हिंदी में ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी हालांकि मेरा वीडियो लगभग आपको 24 सितंबर को देखने को मिल सकता है और ये मूवी उसी रात को यानी कि 25 सितंबर को ही जीव सिनेमा के ऊपर आने वाली है यानी कि आप इस कमाल की फ़िल्म को पच्चीस सितम्बर से, से जियो सिनेमा पर देख पाएंगे और हो सकता है कि मेरा वीडियो बाद में भी आए लेकिन हाँ ये मूवी पच्चीस सितम्बर को जियो सिनेमा पर हिंदी में आ चुकी होगी तो ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आप इसे सीधा ही जियो सिनेमा पर देख पाएंगे हालांकि अगर आप जियो सिनेमा पर इसे नहीं देखते हैं या फिर ये मूवी वहां पर फ्री में नहीं आती है या आपको फिर जो है वो लेनी पड़ती है सब्सक्रिप्शन तो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो दोस्तों क्योंकि इसका वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हो रहा है सत्ताईस सितंबर को रात को आठ बजे जी सिनेमा पे अगर आप वहाँ पर नहीं देखना चाहते तो टीवी पर आप बिल्कुल फ्री में इसे देख पाएंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है आप इस कमाल की फ़िल्म को फिर देख सकते हैं अगर दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो फिल्म तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है और इसका जो ट्रेलर है वो भी दोस्तों काफ़ी गज़ब का है और फ़िल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आज ही दोस्तों इसका ट्रेलर रिलीज़ कराया गया है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको संकेत महाथरे सर का वॉइस ओवर देखने को मिलेगा जो कि विशाल पर एकदम परफेक्ट मैच भी होता है ये फिल्म बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है जो लोग एक्शन मूवी लवर है इनके लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी साबित होगी इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको एक्टर विशाल प्रिया भवानी शंकर समुद्र करणी मुरली शर्मा गौतम वासुदेव मैनन योगी बाबू गणेश वैनिकटराम हरीश पराडी वी टी वी गणेश डेली गणेश तुलसी ऐसे बहुत सारे किरदार जो होंगे वो देखने को मिलेंगे और वैसे तो सभी ने बहुत ही अच्छा काम फिल्म में किया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था हरी ने जो कि साउथ के एक बहुत ही तगड़े डायरेक्टर रह चुके हैं क्योंकि पहले भी वो सिंगम सिंगम टू ऐसे बहुत सी मूवीज़ दे चुके हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की थी इन्होंने पहले भी एक्टर विशाल के साथ एक मूवी बनाई थी पूजा जो कि बहुत ही बढ़िया रही थी और वो भी दोस्तों फिल्म लोगों ने काफ़ी पसंद की थी और ये वाली मूवी भी दोस्तों लोगों ने काफ़ी पसंद की है और इस फिल्म को भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं अब वापस लौटते इस फिल्म की तरफ तो इसकी और रेटिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी है इसे प्रोड्यूस किया था स्टॉन बेंच क्रिएशन ने और जी स्टूडियोज़ ने वहीं अगर फ़िल्म के बारे में थोड़ी आगे चर्चा की जाए तो ये जो मूवी है इसे तमिल के अंदर रिलीज़ कराया गया था उस टाइम पर जो थी वो हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई थी लेकिन आगे जाकर इसकी डबिंग को जी एंटरटेनमेंट ने करवाया था हो सकता है कि जियो सिनेमा और जो जी की डबिंग हो अलग अलग हो या ऐसा भी दोस्तों हो सकता है कि जी ने ही इस मूवी को दे दिया हो जियो सिनेमा को अब क्या होगा वो तो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब ये मूवी रिलीज़ होगी दोस्तों जियो सिनेमा पे तभी हम जो है यहाँ पर बता सकते हैं कि इसकी डबिंग कौन सी है जी जी फाइव वाली है या फिर जियो सिनेमा की अलग से कोई डब हुई है हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये जी की ही डबिंग दोस्तों निकलेंगी तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर किस प्रकार की कहानी शामिल है क्या खास है और जैसा कि हम इस वीडियो के जैसा कि हम इस मूवी का जो ट्रेलर वो देखते हैं तो थोड़ी बहुत कहानी का अनुमान तो लगाया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि इस फिल्म के अंदर कहानी होगी वो किस प्रकार की होगी हालांकि यहाँ पर जो रत्नम नाम है विशाल का ही रहता है और वही दोस्तों इस पूरी फिल्म के अंदर चमकते हुए हमें नज़र आते हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि जो रत्नम है यानी कि विशाल वो चितुर विधायक पन्नीर स्वामी यानी कि समुद्ध कारणी के जो है करीबी सहयोग होते हैं और हमेशा वो जो होते हैं वो एक दूसरे के संघर्ष में शामिल होता है और एक दिन वहाँ पर वह मल्लिका यानी कि प्रियानी भवानी शंकर को देखता है और उसका पीछा पीर करना शुरू कर देता है क्योंकि पहली बार में वो उसे पसंद आ जाती है रतनम को यहाँ पर जल्दी ही पता चलता है कि कुछ गुंडे मल्लिका को मारने की कोशिश कर रहे हैं और रतनम यहाँ पर मल्लिका की रक्षा के लिए बाहर जाता है अब ये गुंडे कौन है और वे मल्लिका को क्यों मारना चाहते हैं और रतनम ने यहाँ पर मल्लिका के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली है यही दोस्तों फिल्म इस बारे में है यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि रत्ना उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर उसकी बहन निकलती है या फिर कुछ और ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखेंगे हालांकि फिल्म बहुत ही अच्छी दोस्तों है फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ दिखाया जाएगा काफ़ी तगड़ा एक्शन इस मूवी के अंदर शामिल है और बहुत ही ज़बरदस्त डबिंग भी आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर या फिर टी वी पर ज़रूर इन्जॉय करिएगा वैसे मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं होने देंगी आपको अच्छी जरूर दोस्तों लग सकती है दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में आज मैं आपको साउथ की एक नई फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में आई है इसके बारे में बात करेंगे साथ ही में इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे साउथ की अगर आप मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मैं साउथ की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ देता हूँ जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है रतनम ये मूवी 2024 की है काफ़ी अच्छी रिव्यू जिसे मिले हैं और इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन और बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग देखने को मिलेंगी अगर रन टाइम की बात करें तो इसका रन टाइम लगभग दो घंटे पैंतीस मिनट के आसपास का है और ये एक यू एस सेंसेड मूवी है और रेटिंग की बात की जाए तो इसकी जो आई एम डी बी रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है बहुत समय पहले इसे रिलीज़ कर दिया गया था अमेज़न प्राइम वीडियो पर लेकिन अब ये फ़िल्म हिंदी के अंदर भी आ रही है आप इसे हिंदी में भी दोस्तों देख पाएंगे तो चलिए बात करते हैं कि हिंदी में ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी हालांकि मेरा वीडियो लगभग आपको 24 सितंबर को देखने को मिल सकता है और ये मूवी उसी रात को यानी कि 25 सितंबर को ही जियो सिनेमा के ऊपर आने वाली है यानी कि आप इस कमाल की फ़िल्म को 25 सितंबर से जियो सिनेमा पर देख पाएंगे और हो सकता है कि मेरा वीडियो बाद में भी आए लेकिन हाँ ये मूवी पच्चीस सितंबर को जियो सिनेमा पर हिंदी में आ चुकी होगी तो एक अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आप इसे सीधा ही जियो सिनेमा पर देख पाएंगे हालांकि अगर आप जियो सिनेमा पर इसे नहीं देखते हैं या फिर ये मूवी वहाँ पर फ्री में नहीं आती है या आपको फिर जो है वो लेनी पड़ती है सब्सक्रिप्शन तो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो दोस्तों क्योंकि इसका वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हो रहा है सत्ताईस सितंबर को रात को आठ बजे जी सिनेमा पे अगर आप वहाँ पर नहीं देखना चाहते तो टीवी पर आप बिल्कुल फ्री में इसे देख पाएंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है आप इस कमाल की फ़िल्म को फिर देख सकते हैं अगर दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो फिल्म तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है और इसका जो ट्रेलर है वो भी दोस्तों काफ़ी गज़ब का है और फ़िल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आज ही दोस्तों इसका ट्रेलर रिलीज़ कराया गया है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको संकेत महाथरे सर का वॉइस ओवर देखने को मिलेगा जो कि विशाल पर एकदम परफेक्ट मैच भी होता है ये फिल्म बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है जो लोग एक्शन मूवी लवर है इनके लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी है साबित होगी इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको एक्टर विशाल प्रिया भवानी शंकर समुद्र करडी मुरली शर्मा गौतम वासुदेव मैनन योगी बाबू गणेश वेंकटराम हरीश पेराडी वी गणेश डाली गणेश तुलसी ऐसे बहुत सारे किरदार जो हो गए वो देखने को मिलेंगे और वैसे तो सभी ने बहुत ही अच्छा काम फिल्म में किया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था हरी ने जो कि साउथ के एक बहुत ही तगड़े डायरेक्टर रह चुके हैं क्योंकि पहले भी वो सिंगम सिंगम टू ऐसे बहुत सी मूवीज़ दे चुके हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की थी इन्होंने पहले भी एक्टर विशाल के साथ एक मूवी बनाई थी पूजा जो कि बहुत ही बढ़िया रही थी और वो भी दोस्तों फिल्म लोगों ने काफ़ी पसंद की थी और ये वाली मूवी भी दोस्तों लोगों ने काफ़ी पसंद की है और इस फ़िल्म को भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं अब वापस लौटते इस फिल्म की तरफ तो इसकी और रेटिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी है इसे प्रोड्यूस किया था स्टोन बेंच क्रिएशन ने और जी स्टूडियोज़ ने वहीं अगर फ़िल्म के बारे में थोड़ी आगे चर्चा की जाए तो ये जो मूवी है इसे तमिल के अंदर रिलीज़ कराया गया था उस टाइम पर य जो थी वो हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई थी लेकिन आगे जाकर इसकी डबिंग को जी एंटरटेनमेंट ने करवाया था हो सकता है कि जियो सिनेमा और जो जी की डबिंग हो अलग अलग हो या ऐसा भी दोस्तों हो सकता है कि जी ने ही इस मूवी को दे दिया हो जियो सिनेमा को अब क्या होगा वो तो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब ये मूवी रिलीज़ होगी दोस्तों जियो सिनेमा पे तभी हम जो है यहाँ पर बता सकते हैं कि इसकी डबिंग कौन सी है जी जी फाइव वाली है या फिर जियो सिनेमा की अलग से कोई डब हुई है हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये जे की ही डबिंग दोस्तों निकलेंगी तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर किस प्रकार की कहानी शामिल है क्या खास है और जैसा कि हम इस वीडियो के जैसा कि हम इस मूवी का जो ट्रेलर वो देखते हैं तो थोड़ी बहुत कहानी का अनुमान तो लगाया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि इस फिल्म के अंदर कहानी होगी वो किस प्रकार की होगी हालांकि यहाँ पर जो रतनम नाम है विशाल का ही रहता है और वही दोस्तों इस पूरी फिल्म के अंदर चमकते हुए हमें नजर आते हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि जो रत्नम है यानी कि विशाल वो चितुर विधायक पन्नीर स्वामी यानी कि समुद्ध कारणी के जो है करीबी सहयोग होते हैं और हमेशा वो जो होते हैं वो एक दूसरे के संघर्ष में शामिल होता है और एक दिन वहाँ पर वह मल्लिका यानी कि प्रियानी भवानी शंकर को देखता है और उसका पीछा पीर करना शुरू कर देता है क्योंकि पहली बार में वो उसे पसंद आ जाती है रतनम को यहाँ पर जल्द ही पता चलता है कि कुछ गुंडे मल्लिका को मारने की कोशिश कर रहे हैं और रतनम यहाँ पर मल्लिका की रक्षा के लिए बाहर जाता है अब ये गुंडे कौन है और वे मलिका को क्यों मारना चाहते हैं और रतनम ने यहाँ पर मलिका के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली है यही दोस्तों फिल्म इस बारे में है यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि रतनम उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर उसकी बहन निकलती है या फिर कुछ और ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखेंगे हालांकि फ़िल्म बहुत ही अच्छी दोस्तों है फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ दिखाया जाएगा काफ़ी तगड़ा एक्शन इस मूवी के अंदर शामिल है और बहुत ही ज़बरदस्त डबिंग भी आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर या फिर टीवी पर ज़रूर इंजॉय करिएगा वैसे मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं होने देंगी आपको ये अच्छी ज़रूर दोस्तों लग सकती है दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में आज मैं आपको साउथ की एक नई फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में आई है इसके बारे में बात करेंगे साथ ही में इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे साउथ की अगर आप मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मैं साउथ की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ देता हूँ जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है रत्नम ये मूवी 2024 की है काफ़ी अच्छी रिव्यू जिसे मिले हैं और इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन और बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग देखने को मिलेंगी अगर रन टाइम की बात करें तो इसका रन टाइम लगभग दो घंटे पैंतीस मिनट के आसपास का है और ये एक यू एस मूवी है और रेटिंग की बात की जाए तो इसकी जो आई रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है बहुत समय पहले इसे रिलीज़ कर दिया गया था अमेजोन प्राइम वीडियो पर लेकिन अब ये फ़िल्म हिंदी के अंदर भी आ रही है आप इसे हिंदी में भी दोस्तों देख पाएंगे तो चलिए बात करते हैं कि हिंदी में ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी हालांकि मेरा वीडियो लगभग आपको 24 सितंबर को देखने को मिल सकता है और ये मूवी उसी रात को यानी कि 25 सितंबर को ही जियो सिनेमा के ऊपर आने वाली है यानी कि आप इस कमाल की फ़िल्म को 25 सितंबर से जियो सिनेमा पर देख पाएंगे और हो सकता है कि मेरा वीडियो बाद में भी आए लेकिन हाँ ये मूवी 25 सितंबर को जियो सिनेमा पर हिंदी में आ चुकी होगी तो ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आप इसे सीधा ही जियो सिनेमा पर देख पाएंगे हालांकि अगर आप जियो सिनेमा पर इसे नहीं देखते हैं या फिर ये मूवी वहाँ पर फ्री में नहीं आती है या आपको फिर जो है वो लेनी पड़ती है सब्सक्रिप्सन तो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो दोस्तों क्योंकि इसका वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हो रहा है सत्ताईस सितंबर को रात को आठ बजे जी सिनेमा पे अगर आप वहाँ पर नहीं देखना चाहते तो टीवी पर आप बिल्कुल फ्री में इसे देख पाएंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है आप इस कमाल की फ़िल्म को फिर देख सकते हैं अगर दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो फिल्म तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है और इसका जो ट्रेलर है वो भी दोस्तों काफ़ी गज़ब का है और फ़िल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आज ही दोस्तों इसका ट्रेलर रिलीज़ कराया गया है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको संकेत महात्रे सर का वॉइस ओवर देखने को मिलेगा जो कि विशाल पर एकदम परफेक्ट मैच भी होता है ये फिल्म बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है जो लोग एक्शन मूवी लवर है इनके लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी साबित होगी इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको एक्टर विशाल प्रिया भवानी शंकर समुद्र करणी मुरली शर्मा गौतम वासुदेव मैनन योगी बाबू गणेश वेंकटराम हरीश पेराडी वीटीवी गणेश डेली गणेश तुलसी ऐसे बहुत सारे किरदार जो हो गए वो देखने को मिलेंगे और वैसे तो सभी ने बहुत ही अच्छा काम फिल्म में किया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था हरी ने जो कि साउथ के एक बहुत ही तगड़े डायरेक्टर रह चुके हैं क्योंकि पहले भी वो सिंगम सिंगम टू ऐसे बहुत सी मूवीज़ दे चुके हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की थी इन्होंने पहले भी एक्टर विशाल के साथ एक मूवी बनाई थी पूजा जो कि बहुत ही बढ़िया रही थी और वो भी दोस्तों फिल्म लोगों ने काफ़ी पसंद की थी और ये वाली मूवी भी दोस्तों लोगों ने काफ़ी पसंद की है और इस फिल्म को भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं अब वापस लौटते इस फिल्म की तरफ तो इसकी और रेटिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी है इसे प्रोड्यूस किया था स्टोन बेंच क्रिएशन ने और जी स्टूडियोज़ ने वहीं अगर फ़िल्म के बारे में थोड़ी आगे चर्चा की जाए तो ये जो मूवी है इसे तमिल के अंदर रिलीज़ कराया गया था उस टाइम पर यह जो थी वो हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई थी लेकिन आगे जा कर इसकी डबिंग को जी एंटरटेनमेंट ने करवाया था हो सकता है कि जियो सिनेमा और जो जी की डबिंग हो अलग अलग हो या ऐसा भी दोस्तों हो सकता है कि जी ने ही इस मूवी को दे दिया हो जियो सिनेमा को अब क्या होगा वो तो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब ये मूवी रिलीज़ होगी दोस्तों जियो सिनेमा पे, तभी हम जो यहां है यहाँ पर बता सकते हैं कि इसकी डबिंग कौन सी है जी जी फाइव वाली है या फिर जियो सिनेमा की अलग से कोई डब हुई है हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये जी की ही डबिंग दोस्तों निकलेंगी तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर किस प्रकार की कहानी शामिल है क्या खास है और जैसा कि हम इस वीडियो के जैसा कि हम इस मूवी का जो ट्रेलर वो देखते हैं तो थोड़ी बहुत कहानी का अनुमान तो लगाया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि इस फिल्म के अंदर कहानी होगी वो किस प्रकार की होगी हालांकि यहाँ पर जो रत्नम नाम है विशाल का ही रहता है और वही दोस्तों इस पूरी फिल्म के अंदर चमकते हुए नजर आते हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि जो रत्नम है यानी कि विशाल वो चितुर विधायक पन्नीर स्वामी यानी कि कारणी के जो है करीबी सहयोग होते हैं और हमेशा वो जो होते हैं वो एक दूसरे के संघर्ष में शामिल होता है और एक दिन वहाँ पर वे मल्लिका यानी कि प्रियनी भवानी शंकर को देखता है और उसका पीछा पीर करना शुरू कर देता है क्योंकि पहली बार में वो उसे पसंद आ जाती है रतनम को यहाँ पर जल्द ही पता चलता है कि कुछ गुंडे मल्लिका को मारने की कोशिश कर रहे हैं और रतनम यहाँ पर मल्लिका की रक्षा के लिए बाहर जाता है अब ये गुंडे कौन है और वे मल्लिका को क्यों मारना चाहते हैं और रतनम ने यहाँ पर मल्लिका के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली है यही दोस्तों फिल्म इस बारे में है यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि रतनम उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर उसकी बहन निकलती है या फिर कुछ और ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखेंगे हालांकि फ़िल्म बहुत ही अच्छी दोस्तों है फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ दिखाया जाएगा काफ़ी तगड़ा एक्शन इस मूवी के अंदर शामिल है और बहुत ही ज़बरदस्त डबिंग भी आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर या फिर टी वी पर ज़रूर इंजॉय करिएगा वैसे मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं होने देंगी आपको अच्छी ज़रूर दोस्तों लग सकती है दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में आज मैं आपको साउथ की एक नई फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में आई है इसके बारे में बात करेंगे साथ ही में इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे साउथ की अगर आप मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मैं साउथ की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ देता हूँ जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है रतनम ये मूवी 2024 की है काफ़ी अच्छी रिव्यू जिसे मिले हैं और इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन और बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग देखने को मिलेंगी अगर रन टाइम की बात करें तो इसका रन टाइम लगभग दो घंटे पैंतीस मिनट के आसपास का है और ये एक यू एस सेंसेड मूवी है और रेटिंग की बात की जाए तो इसकी जो आई एम डी बी रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है बहुत समय पहले इसे रिलीज़ कर दिया गया था अमेज़न प्राइम वीडियो पर लेकिन अब ये फ़िल्म हिंदी के अंदर भी आ रही है आप इसे हिंदी में भी दोस्तों देख पाएंगे तो चलिए बात करते हैं कि हिंदी में ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी हालांकि मेरा वीडियो लगभग आपको 24 सितंबर को देखने को मिल सकता है और ये मूवी उसी रात को यानी कि 25 सितंबर को ही जियो सिनेमा के ऊपर आने वाली है यानी कि आप इस कमाल की फ़िल्म को 25 सितंबर से जियो सिनेमा पर देख पाएंगे और हो सकता है कि मेरा वीडियो बाद में भी आए लेकिन हाँ ये मूवी पच्चीस सितम्बर को जियो सिनेमा पर हिंदी में आ चुकी होगी तो एक अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आप इसे सीधा ही जियो सिनेमा पर देख पाएंगे हालांकि अगर आप जियो सिनेमा पर इसे नहीं देखते हैं या फिर ये मूवी वहाँ पर फ्री में नहीं आती है या आपको फिर जो है वो लेनी पड़ती है सब्सक्रिप्शन तो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो दोस्तों क्योंकि इसका वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हो रहा है सत्ताईस सितंबर को रात को आठ बजे जी सिनेमा पे अगर आप वहाँ पर नहीं देखना चाहते तो टीवी पर आप बिल्कुल फ्री में इसे देख पाएंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है आप इस कमाल की फ़िल्म को फिर देख सकते हैं अगर दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो फिल्म तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है और इसका जो टेलर है वो भी दोस्तों काफ़ी गजब का है और फ़िल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आज ही दोस्तों इसका टेलर रिलीज़ कराया गया है और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपको संकेत महाथरे सर का वॉइस ओवर देखने को मिलेगा जो कि विशाल पर एकदम परफेक्ट मैच भी होता है ये फिल्म बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है जो लोग एक्शन मूवी लवर है इनके लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी है साबित होगी इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको एक्टर विशाल प्रिया भवानी शंकर समुद्र करडीन मुरली शर्मा गौतम वासुदेव मैनन योगी बाबू गणेश वेंकटराम हरीश पेराडी वीटीवी गणेश डेली गणेश तुलसी ऐसे बहुत सारे किरदार जो होंगे वो देखने को मिलेंगे और वैसे तो सभी ने बहुत ही अच्छा काम फिल्म में किया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था हरी ने जो कि साउथ के एक बहुत ही तगड़े डायरेक्टर रह चुके हैं क्योंकि पहले भी वो सिंगम सिंगम टू ऐसी बहुत सी मूवीज़ दे चुके हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की थी इन्होंने पहले भी एक्टर विशाल के साथ एक मूवी बनाई थी पूजा जो कि बहुत ही बढ़िया रही थी और वो भी दोस्तों फिल्म लोगों ने काफ़ी पसंद की थी और ये वाली मूवी भी दोस्तों लोगों ने काफ़ी पसंद की है और इस फिल्म को भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं वापस लौटते इस फिल्म की तरफ तो इसकी और रेटिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी है इसे प्रोड्यूस किया था स्टोन बेंच क्रिएशन ने और जी स्टूडियोज़ ने वहीं अगर फ़िल्म के बारे में थोड़ी आगे चर्चा की जाए तो ये जो मूवी है इसे तमिल के अंदर रिलीज़ कराया गया था उस टाइम पर जो थी वो हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई थी लेकिन आगे जाकर इसकी डबिंग को जी एंटरटेनमेंट ने करवाया था हो सकता है कि जियो सिनेमा और जो जी की डबिंग हो अलग अलग हो या ऐसा भी दोस्त हो सकता है कि जी ने ही इस मूवी को दे दिया हो जियो सिनेमा को अब क्या होगा वो तो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब ये मूवी रिलीज़ होगी दोस्तों जियो सिनेमा पे तभी हम जो है यहाँ पर बता सकते हैं कि इसकी डबिंग कौन सी है जी जी फाइव वाली है या फिर जियो सिनेमा की अलग से कोई डब हुई है हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये जी की ही डबिंग दोस्तों निकलेंगी तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर किस प्रकार की कहानी शामिल है क्या खास है और जैसा कि हम इस वीडियो के जैसा कि हम इस मूवी का जो ट्रेलर वो देखते हैं तो थोड़ी बहुत कहानी का अनुमान तो लगाया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि इस फिल्म के अंदर कहानी होगी वो किस प्रकार की होगी हालांकि यहाँ पर जो रतनम नाम है विशाल का ही रहता है और वही दोस्तों इस पूरी फिल्म के अंदर चमकते हुए हमें नज़र आते हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि जो रत्नम है यानी कि विशाल वो चितुर विधायक पन्नीर स्वामी यानी कि समुद्ध कारणी के जो है करीबी सहयोग होते हैं और हमेशा वो जो होते हैं वो एक दूसरे के संघर्ष में शामिल होता है और एक दिन वहाँ पर वह मल्लिका यानी कि प्रियानी भवानी शंकर को देखता है और उसका पीछा फिर करना शुरू कर देता है क्योंकि पहली बार में वो उसे पसंद आ जाती है रतनम को यहाँ पर जल्द ही पता चलता है कि कुछ गुंडे मलिका को मारने की कोशिश कर रहे हैं और रतनम यहाँ पर मल्लिका की रक्षा के लिए बाहर जाता है अब ये गुंडे कौन है और वे मल्लिका को क्यों मारना चाहते हैं और रतनम ने यहाँ पर मलिका के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली है यही दोस्तों फिल्म इस बारे में है यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि रतनम उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर उसकी बहन निकलती है या फिर कुछ और ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखेंगे हालांकि फिल्म बहुत ही अच्छी दोस्तों है फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ दिखाया जाएगा काफ़ी तगड़ा एक्शन इस मूवी के अंदर शामिल है और बहुत ही ज़बरदस्त डबिंग भी आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर या फिर टीवी पर ज़रूर इंजॉय करिएगा वैसे मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं होने देंगी आपको अच्छी ज़रूर दोस्तों लग सकती है दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में आज मैं आपको साउथ की एक नई फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये मूवी कहाँ पर हिंदी में आई है इसके बारे में बात करेंगे साथ ही में इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे साउथ की अगर आप मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मैं साउथ की मूवीज़ के बारे में जानकारियाँ देता हूँ जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है रत्नम ये मूवी 2024 की है काफ़ी अच्छी रिव्यू जिसे मिले हैं और इस फिल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन और बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग देखने को मिलेंगी अगर रन टाइम की बात करें तो इसका रन टाइम लगभग दो घंटे पैंतीस मिनट के आसपास का है और ये एक यू एस मूवी है और रेटिंग की बात की जाए तो इसकी जो आई रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है बहुत समय पहले इसे रिलीज़ कर दिया गया था अमेजोन प्राइम वीडियो पर लेकिन अब ये फ़िल्म हिंदी के अंदर भी आ रही है आप इसे हिंदी में भी दोस्तों देख पाएंगे तो चलिए बात करते हैं कि हिंदी में ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी हालांकि मेरा वीडियो लगभग आपको 24 सितंबर को देखने को मिल सकता है और ये मूवी उसी रात को यानी कि 25 सितंबर को ही जियो सिनेमा के ऊपर आने वाली है यानी कि आप इस कमाल की फ़िल्म को 25 सितंबर से जियो सिनेमामा पर देख पाएंगे और हो सकता है कि मेरा वीडियो बाद में भी आए लेकिन हाँ ये मूवी 25 सितंबर को जियो सिनेमा पर हिंदी में आ चुकी होगी तो एक अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आप इसे सीधा ही जियो सिनेमा पर देख पाएंगे हालांकि अगर आप जियो सिनेमा पर इसे नहीं देखते हैं या फिर ये मूवी वहाँ पर फ्री में नहीं आती है या आपको फिर जो है वो लेनी पड़ती है सब्सक्रिप्शन तो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो दोस्तों क्योंकि इसका वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हो रहा है सत्ताईस सितम्बर को रात को आठ बजे जी सिनेमा पे अगर आप वहाँ पर नहीं देखना चाहते तो टी पर आप बिल्कुल फ्री में इसे देख पाएंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है आप इस कमाल की फ़िल्म को फिर देख सकते हैं अगर दोस्तों बात करें मूवी के बारे में तो फिल्म तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है और इसका जो ट्रेलर है वो भी दोस्तों काफ़ी गजब का है और फ़िल्म के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है और आज ही दोस्तों इसका टेलर रिलीज़ कराया गया है और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपको संकेत महाथरे सर का ओवर देखने को मिलेगा जो कि विशाल पर एकदम परफेक्ट मैच भी होता है ये फिल्म बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है जो लोग एक्शन मूवी लवर है इनके लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी है साबित होगी इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको एक्टर विशाल प्रिया भवानी शंकर समुद्र करडीम मुरली शर्मा गौतम वासुदेव मैनन योगी बाबू गणेश वेंकटराम हरीश पेराडी वीटीवी गणेश डेली गणेश तुलसी ऐसे बहुत सारे किरदार जो हो गए वो देखने को मिलेंगे और वैसे तो सभी ने बहुत ही अच्छा काम फिल्म में किया है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था हरी ने जो कि साउथ के एक बहुत ही तगड़े डायरेक्टर रह चुके हैं क्योंकि पहले भी वो सिंगम सिंगम टू ऐसे बहुत सी मूवीज़ दे चुके हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की थी इन्होंने पहले भी एक्टर विशाल के साथ एक मूवी बनाई थी पूजा जो कि बहुत ही बढ़िया रही थी और वो भी दोस्तों फिल्म लोगों ने काफ़ी पसंद की थी और ये वाली मूवी भी दोस्तों लोगों ने काफ़ी पसंद की है और इस फिल्म को भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं अब वापस लौटते इस फिल्म की तरफ तो इसकी और रेटिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी है इसे प्रोड्यूस किया था स्टोन बेंच क्रिएशन ने और जी स्टूडियोज़ ने वहीं अगर फ़िल्म के बारे में थोड़ी आगे चर्चा की जाए तो ये जो मूवी है इसे तमिल के अंदर रिलीज़ कराया गया था उस टाइम पर य जो थी वो हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई थी लेकिन आगे जा कर इसकी डबिंग को जी एंटरटेनमेंट ने करवाया था हो सकता है कि जियो सिनेमा और जो जी की डबिंग हो अलग अलग हो या ऐसा भी दोस्तों हो सकता है कि जी ने ही इस मूवी को दे दिया हो जियो सिनेमा को अब क्या होगा वो तो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब ये मूवी रिलीज़ होगी दोस्तों जियो सिनेमा पे तभी हम जो है यहाँ पर बता सकते हैं कि इसकी डबिंग कौन सी है जी जी फाइव वाली है या फिर जियो सिनेमा की अलग से कोई डब हुई है हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये जी की ही डबिंग दोस्तों निकलेंगी तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म के अंदर किस प्रकार की कहानी शामिल है क्या खास है और जैसा कि हम इस वीडियो के जैसा कि हम इस मूवी का जो ट्रेलर वो देखते हैं तो थोड़ी बहुत कहानी का अनुमान तो लगाया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि इस फिल्म के अंदर कहानी होगी वो किस प्रकार की होगी हालांकि यहाँ पर जो रत्नम नाम है विशाल का ही रहता है और वही दोस्तों इस पूरी फिल्म के अंदर चमकते हुए हमें नजर आते हैं शुरुआत के अंदर आपको दिखाया जाता है कि जो रत्नम है यानी कि विशाल वो चितुर विधायक पन्नीर स्वामी यानी कि समुद्ध कारणी के जो है करीबी सहयोग होते हैं और हमेशा वो जो होते हैं वो एक दूसरे के संघर्ष में शामिल होता है और एक दिन वहाँ पर वह मल्लिका यानी कि प्रियानी भवानी शंकर को देखता है और उसका पीछा पीर करना शुरू कर देता है क्योंकि पहली बार में वो उसे पसंद आ जाती है रतनम को यहाँ पर जल्द ही पता चलता है कि कुछ गुंडे मल्लिका को मारने की कोशिश कर रहे हैं और रतनम यहाँ पर मल्लिका की रक्षा के लिए बाहर जाता है अब ये गुंडे कौन है और वे मल्लिका को क्यों मारना चाहते हैं और रतनम ने यहाँ पर मल्लिका के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली है यही दोस्तों फिल्म इस बारे में है यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि रतनम उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर उसकी बहन निकलती है या फिर कुछ और ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखेंगे हालांकि फ़िल्म बहुत ही अच्छी दोस्तों है फिल्म के अंदर आपको काफ़ी कुछ दिखाया जाएगा काफ़ी तगड़ा एक्शन इस मूवी के अंदर शामिल है और बहुत ही ज़बरदस्त डबिंग भी आपको देखने को मिलेंगी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक अच्छी फिल्म है तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को आप लोग जियो सिनेमा पर या फिर टी वी पर ज़रूर इन्जॉय करिएगा वैसे मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको निराश नहीं होने देंगी आपको अच्छी जरूर दोस्तों लग सकती है